है। तो अभी प्रश्न ज्योतिष की पिछले क्लास की थी, आप आए नहीं थे ना। तो प्रश्न ज्योतिष जो है वो हमने क्यों करनी है, पहले तो उस पर आ जाते हैं कि या तो किसी की जन्म पत्री नहीं है तो आप कैसे प्रेडिक्शन दे उसको, एक तो वो हो गया। दूसरा ऐसा कोई प्रश्न है जो हम जन्म पत्री से दे नहीं सकते, तो इस प्रकार से प्रश्न है कि वैसे प्रश्न जो काफी लोगों के ऊपर इसका असर पड़ता हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे बंबई में हादसा हो गया, तो कल मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम वो जो पुल है वो उनको दुरुस्त कर देंगे, नए बना देंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा किया, अभी उसको ठीक कर देंगे ताकि दोबारा हादसा ना हो। तो इस तरह से अभी फ्रेश क्वेश्चन यही आ सकता है, अभी मोदी गवर्नमेंट जो कह रही है तो ये कि पुल गेट सब टाइम पे बन जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अब वो किसी की जन्म पत्री तो देख के होगा नहीं सर, है ना। तो एक तो वो पता चल जाएगा, दूसरा ऐसा प्रश्न हो कि जो जन्म पत्री से नहीं दिया जा सकता, जन्म पत्री होते हुए हो और वो उसी से ही आदमी से रिलेटेड हो, लोगों से नहीं उसी से, जैसे बच्चा है छोटा अभी कनाडा के अंदर वो एडमिशन लेना चाहता है और दो यूनिवर्सिटीज में उसका एडमिशन हो गया, तो कौन सी यूनिवर्सिटी उसके लिए अच्छा रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है, ऐसे स्पेसिफिक हो गया। या इस लड़की से शादी करें या उस लड़की से शादी करें, अब दोनों लड़कियों की जन्म पत्री नहीं है तो कैसे करेंगे। एक तो ये हो, एक होता है कि जो तुरंत किसी इवेंट को होने की संभावना हो, तुरंत का मतलब यह है कि जैसे बच्चा जो है वो ट्यूशन पढ़ने जाता है शाम को 5 से 7, अब वो 7:15 तक आज आ ही जाता है, घर के पास ही है, अब वो आया नहीं 8 बजे तक, तो आपने जहाँ जाता है वहां फोन कर लिया, सब कुछ अता पता कर लिया, बट वो फिर भी नहीं, पता ही नहीं चल रहा, तो हम ये पता करेंगे बच्चा कब तक आएगा। तो 99.99% केस है वो तो आ ही जाएगा, क्योंकि तो अगर बच्चा किसी दोस्त के साथ चला गया और वजह से लेट हो गया पता नहीं, तो वो ऐसे सवाल जो होंगे उनको जो है वो हम प्रश्न ज्योतिष से करेंगे, उसका मेथड भी मैं बताऊंगा, जो तुरंत वाला, क्योंकि तुरंत वाला जो उसकी जन्म पत्री से पता नहीं चलेगा, उसमें ये पता चल जाएगा कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जैसे माँ है, माँ को तो ये है कि भाई अगर 8 बजे तक नहीं आया तो 8 बजे 1 मिनट में आ जावे, तो माँ का तो आपको पता दिल ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे ऐसे दिल हिलता रहता है ना। ये अब इसको करना कैसे, तो जो आदमी सीरियस है उसी का सवाल लेना और वो जब आवे उसके सवाल को अच्छी तरह समझना और एक कॉपी बना लेनी है 1 से 249 और उसमें से एक पेज निकलवा लेना, जो अगर वो हमारे सामने आके बैठा है तो फिर ये सॉफ्टवेयर हमें आगे हेल्प कर देगा, वो जो नंबर जब वो हमको देगा आदमी तो वो नंबर जो है हम उसमें डाल देंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ अभी का लेंगे और नंबर डालने से असेंडेंट बन जाएगा, सर नमस्कार। नंबर जो है नंबर जो है वो असेंडेंट की डिग्री है, नमस्कार असेंडेंट की डिग्री है, तो असेंडेंट की डिग्री जैसे अभी तक हम लेते आए हैं, पहले प्रश्न शास्त्र जो आप करते थे उस समय क्या करते थे, अभी का लगन लेते, अब अभी का लगन नहीं लेंगे, अब वो जो वो नंबर देगा वो नंबर जो है वो डिग्री है असेंडेंट की, जैसे 1 है तो वो है 0 डिग्री एरीज, 2 जो है वो है 46 मिनट 40 सेकंड्स एरीज, नहीं जो 1 है वो है 46 मिनट 40 सेकंड एरीज, 2 जो है वो है 3 डिग्री एरीज, 3 जो है वो 3 डिग्री 40 मिनट एरीज। थ्योरी क्या है कि अगर उसने सवाल पूछा तो हमने उसी से पूछ लिया कि उत्तर कहाँ है, वो बता देगा जो भचक रहा है या जो उसको जोड़िए का है उसके इस डिग्री पे मेरा उत्तर है, तो फिर वो डिग्री बना ली और जैसे हम जन्म पत्री बनाते हैं वैसे लगन चलित बना के और उसके कॉम्बिनेशन देख के, जैसे उसने पूछा मैं प्रॉपर्टी कब खरीदूंगा, तो ये जन्म पत्री जैसे बन गई तो आगे दशा भूख के अंतर में 4 11 12 आ गया, तो हमने बताया भैया तुम प्रॉपर्टी कब खरीदोगे, विदेश कब जाऊंगा, 3 9 12, वही मेथड है, सिर्फ बनाने का तरीका डिफरेंट है थोड़ा सा कि वो सीट डलेगा, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन क्वेश्चन जो है वो सीरियस होना चाहिए, नॉन सीरियस क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे, जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वही कॉम्बिनेशन आते हैं जो वो सवाल होता है।
हाँ वाले या ना वाले, दूसरे वाले नहीं आते। और अगर दूसरे वाले आ रहे हैं तो इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये सवाल जो है उसके मन में भावना नहीं थी। तो अब उसको ये तो नहीं कहते तेरे मन में भावना नहीं है, बोल देंगे तो मतलब झगड़ा खड़ा होगा। उन्होंने बाद में पूछा ना, अभी तक तो कुछ आया नहीं, ऐसे करके टाल मारना ठीक। और तरीका ये है कि बेस्ट तरीका कि जन्म पत्री में पैसा लो ना लो, इसको भी पैसे ले लेना। इससे क्या सीरियस ही क्वेश्चन आया, 500 रुपये आम है तो 500 रुपये, साउथ दिल्ली में जाएंगे तो 5100 रुपये, तो डिपेंड करेगा उस हिसाब से, ताकि उसके और लगे कि हाँ भाई पैसा लग रहा है। तो अपने यहाँ भी क्वेश्चन सीरियस होता है, नहीं तो पूछा अच्छा फिर बता ऐसे नहीं बता ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि कोई अमरीका वगैरह से पूछता है तो हम जबानी भी ले सकते हैं, और डेट टाइम प्लेस वहीं का डालेंगे जहां पर हम बैठे। ईमेल पे आया तो हमने वहां से सीट ले लेना, उसको बोल रहे हैं एक नंबर बता दे 1 से 240 में। तो जब ईमेल हमें रिसीव होगी, रिसीव का मतलब जब हमने देखी, रिसीव होगी तो एक बार हम देखते नहीं वो नहीं, जब हमने खोल ली और देख ली, देखने से 2.5 दिन के अंदर हमने उस उत्तर को जरूर करना है, प्रश्न का उत्तर जरूर करना है। और देख ली समझ, आज क्या तारीख होगी, 1 अक्टूबर ठीक है ना, तो हम समझ ले 3 अक्टूबर तक उसको करना जरूरी होगा। और अगर हम एक को देख ली, समझ लो 2 को कर रहे हैं, तो 2 अक्टूबर ही डालेंगे। और एक टाइम पे हम लैपटॉप पे काम करना शुरू करेंगे वही टाइम डालेंगे। जी हाँ ठीक है, डेस्कटॉप पे करो तो वो उस पर भी कर सकते हो, मोबाइल है उस पर भी कर सकते हो, मतलब जब आप करेंगे ठीक है ना, जहाँ करेंगे मतलब देखा आपने दिल्ली में लेकिन कर रहे हो मुंबई, तो फिर मुंबई डलेगा जहाँ पर कर रहे हो, देखा मर्जी कहीं भाई ये भी प्लेस भी चेंज हो सकता है ना। तो ये पोस्टर कहीं से भी कर रहा हो जी, किसी भी समय कर रहा हो, जब हम निकाल रहे हैं, जहां पर निकाल रहे हैं, जिस समय में निकाल रहे हैं वही डालेगा ठीक है। ये तो हो गया जो नॉर्मल जो मेथड है मैंने बताया था, हमने वो भी बताया था क्या नाम है, उसको करके भी दिखाया था ताकि आपको समझ आ जाए। 2-4 और आज कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आप बता क्या तेरे सवाल। हम लोग 249 नंबर में से क्यों लेते हैं? कुछ बच्चे हैं उन्हें किताब खरीदी है, कुछ बच्चे हैं इस कक्षा में जो बच्चा किताबें तो खरीदते हैं लेकिन तक किताबें खोलते नहीं है। आपकी खोली तो है, खोली है, पढ़ते नहीं है। अब बोले के पढ़ते भी हैं जी, है ना। चल देख, अब देखो नेक्स्ट को पाइसिस को पाइसिस बोले कितने 249 है। अब ये 249 कहाँ से आ गए, सब लोग तो 243 है, तो क्वेश्चन ये भी तो रहेगा ना राजे। अब 249 कहाँ से आए, अब बता किताब खोली थी, खोली किताब खोली थी लेकिन लेकिन देखी नहीं थी, मैं बता रहा हूँ ठीक है। अब ये देख एरीज, देख एरीज में लास्ट सब लॉर्ड कौन सा है, राहु ठीक है ना जी। तो टॉरस में देख फर्स्ट सब लॉर्ड कौन सा, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि राहु आधा इधर है आधा उधर चला गया, तो एक सीरियल नंबर बढ़ गया, गेट इट, सब लॉर्ड नहीं बढ़ा सीरियल नंबर बढ़ा। तो जो 249 आर नॉट सब लॉर्ड्स, 214 आर सीरियल नंबर ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख मून जी, सॉरी शनि, लास्ट सब लॉर्ड जो है टॉरस का जो है वो शनि है, लेकिन इसका मरकरी हो गया, तो इधर सीरियल नंबर नहीं बढ़ा क्योंकि इधर 13 डिग्री प्रॉब्लम हो रहा है। हां फिर ये देख मून है जेमिनी में जी, और आगे भी मून है, तो फिर इधर क्या हो गया कि एक सीरियल नंबर और बढ़ गया जी। तो एक एरीज टॉरस में बढ़ा, जेमिनी टॉरस जेमिनी में नहीं बढ़ा, लेकिन जेमिनी कैंसर में बढ़ गया जी। फिर ये क्या है कि फिर ये कैंसर और लियो में बढ़ गया, ये देख वही राहु, सॉरी 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 ये इधर नहीं बढ़ा, ये जो है कैंसर लियो में नहीं बढ़ा लेकिन लियो और वर्गो में बढ़ गया ठीक है ना। एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक बढ़ जाएगा तो 6 हो गए, तो 249 जो हो गए वो सीरियल नंबर्स पड़े, सब लॉर्ड्स नहीं पड़े।
समझ गया। तो हमने उसको बोला कि कौन सा पॉइंट बता ज़ोडियक का नॉट, हमने उससे नहीं पूछा कि कौन सा सब लॉर्ड बता, इन विच पॉइंट ऑफ द ज़ोडियक द आंसर लाइज। ये जो है ना, अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा चल जाए ज्योतिष की, तो जो लोग ये वाला सिस्टम नहीं फॉलो करते थे, तो नवांश का सिस्टम भी फॉलो करते थे। नवांश मतलब नाइन पार्ट ऑफ अ साइन, नाइन पार्ट ऑफ अ साइन। तो साइन कितने हैं? 12 मल्टीप्लाइड में 9 कितने हुए? आलम डंडा दियो, वेरी गुड, ठीक है ना। तो 108 है। तो कुछ लोग जो है इसी थ्योरी को, कि हमने प्रश्नकर्ता से ही पूछना है कि उत्तर कहां पर है, इस थ्योरी को नवांश में प्रयोग करते थे। 108 नंबर में से एक नंबर पूछते थे, ठीक है ना। तो फिर वो वाला नंबर असेंडेंट बना के, मतलब तो वो वाला डिग्री असेंडेंट बना के फिर उत्तर निकालते थे। तो ये थ्योरी पहले भी कई प्रकार से और यूज होती थी। जितने मर्जी सब डिवीजन करें तो हमारी मर्जी है ना। यहाँ 249 की है, कोई बोले 1000 है, कोई बोले 500 है, ये तो आपकी थ्योरी पे डिपेंड करता है। किसी भी तरीके से करके देख लो विच, और फिर देखें विच इज द बेस्ट। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन से, बिकॉज आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, हमने असेंडेंट का भी करके देखा कि जैसे कोई आदमी आवे और हम प्रश्न ऐसे निकाल लें कि इसी समय जो लग्न है उसी को आधार बनाकर हम प्रश्न ज्योतिष करें, उससे भी कई समय पे बहुत अच्छे आंसर आते हैं। हमने नहीं कहते बिल्कुल नहीं आते, लेकिन उसके अपनी लिमिटेशंस हुई। 108 की अपनी हुई, उसमें इतने अच्छे नहीं, इसमें बेस्ट आए। और जो अभी जो करते हैं हम, जो अभी का लग्न बना ले, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्यों आती है, जैसे समझ लें कि आपने दिवाली मेले में कोई स्टॉल लगा लिया, एग्जाम्पल, ठीक है, और कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स आ गए या स्कूल के स्टूडेंट्स आ गए इकट्ठे, एक क्लास आ गई, दोस्त यार आ गए 10, 12, 15, बोले मैडम पैसे हम देते हैं, बताओ हमारे नंबर कितने आएंगे। तो एवरीबॉडी हैज द सेम क्वेश्चन, एंड इफ 10 12 15 20 स्टूडेंट्स आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन एट वन टाइम गिवन टाइम, कि पहले राजेश का बता देना, फिर रमेश का बता देना, फिर अमर का बता देना, फिर सुरेश का बता देना, फिर गीता का बता देना, फिर पपीता का बता देना, ममता का भी चलो बता देना, ममता का भी बता देना। तो दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन एट वन गिवन मोमेंट, और आप और हम, हमारा जो मेथड है इससे सीड लेंगे उनसे अलग अलग, तो लगन के असेंडेंट बदल जाएंगे, तो उनके आंसर सबके बदल जाएंगे। ममता फेल हो जाएगी, किसी बच्चे के अच्छे नंबर आ, किसी के सबके अलग लगाएंगे ना नंबर। और जो सेम असेंडेंट अभी का लेके अगर लेते हैं, तो अगर उनको उत्तर देते हैं तो सबके तकरीबन एक ही नंबर आएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो वहां आप फंस जाओगे, वहां खड़े होगे, भैया तुम अभी आ जाओ, तुम 2 घंटे बाद आना, तू 2.5 घंटे बाद आइए, तो ये तो ट्यूटर्ड हो गया, आंसर ही ट्यूटर्ड हो गया, तो वहां फंस जाने की संभावना। तो इसलिए ये मेथड दो वजह से proven to be a correct method. Reason one, कि हमने उसी से पूछा, ग्रह में प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उसी से पूछे तो उत्तर ठीक आएगा, क्योंकि उसी के ग्रह से पूछ रहे हैं, सवाल ही उसी का, हमारा तो है नहीं। कॉस्मोस में तो 2500 सवाल चल रहे होंगे इस समय, इन भाई बच्चा वो अपने एजुकेशन के परफॉर्मेंस के हिसाब से हो सकता है उसका कोई सवाल हो। कोई आदमी मिडिल एज है तो उसकी बेटी की शादी की बात हो, जिसने जो लड़का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है उसकी, वो नौकरी का पूछना चाहता हो, तो एक ही टाइम पे क्वेश्चन तो कई हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला सिस्टम ठीक है। अब बताओ आगे बोलो सर। फॉर एग्जाम्पल कजन ब्रदर के बारे में अगर हम कोई क्वेश्चन है, तो उसमें भी यंगर ब्रदर के लिए 3 और एल्डर के 11 लेना पड़ेगा? नहीं सर, मैं बता देता हूँ, मैं कजन का मैं देखना पड़ेगा कौन सा कजन, वो लंबा हो जाता है काफी, और उसको इसलिए असेंडेंट से ही लेना ठीक है। कजन का मतलब क्या हो गया, मतलब ताया जी का बेटा हो गया, तो पहले तो ये हो गए फादर, फिर फादर के 11th हाउस ताऊ जी, लेकिन ताऊ जी ये नहीं है, ये समझ लो ये है बुआ, जो इमीडिएट बड़ी है,
और उससे बड़े जो है फिर ताऊ जी है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ताऊ जी का फर्स्ट चाइल्ड, फिर फर्स्ट चाइल्ड का छोटा सेकंड चाइल्ड, सेकंड है, फिर ये थर्ड चाइल्ड है, तो काफी घुमाव हो जाएगा। इसलिए ज्यादा घुमाने के बजाय जहां पर बहुत ज्यादा रिलेशन लंबा हो जाए तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सीधा लगन से रहें। मैं ओनली दो स्टेप तक सेफली चल लो, दो स्टेप के बाद जो है लगन ले ले तो बेहतर है। दो स्टेप का मतलब बीवी का भाई, समझ लीजिए, जैसे बीवी का भाई और क्या होगा, बेटे का दोस्त, सन्स फ्रेंड, ठीक है, या मेरी डॉटर है, समझ लो मेरी डॉटर होगी। अब जब समझ लो उसकी कोई सहेली है, वो भी रोज घर आती जाती है, तो कई बार बच्चे घुल मिल जाते हैं, अपना ही बच्चा है, हमें लगता है ये भी अपनी बेटी है, चलो इसकी बेटी, क्योंकि इसकी जॉब लग जाए, तो हमने पूछा, मैंने पूछा भी इसकी भी जॉब कब लग जाएगी, मेरी बेटी की तो लग गई, तो हम थर्ड ले लें। लेकिन इसकी माँ, खैर उसमें तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मतलब इतना लंबे जाने की कोई जरूरत नहीं सर। और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड डाउट ये था कि कोई चीज़ से मिसिंग हो जाती है, मून का ट्रांसलेट देखते हैं हम लोग, तो मून का ट्रांसलेट अभी करेंगे सर, वो ना अभी आज मैंने कहा था पिछली क्लास के अंदर, उसको डिटेल में करेंगे, अभी करेंगे सर, अभी उस क्वेश्चन को, ठीक है, अभी करेंगे ना। आपने की थी कि अदर देन लकी नंबर, भाई हम ये कह रहे हैं जब आदमी किताब में से निकाल रहा है सवाल, मतलब एक किताब बना ली 1 2 3 4 उसके अंदर यूं निकाल रहा है, तो उसको बाय मतलब पता नहीं कौन सा नंबर निकल, तो बाय डिफॉल्ट नंबर दिमाग में आवे या पेज होवे या कोई कॉइन्स बना लिया हमने वहां से निकाले या पर्ची निकाले, वो तो ठीक। लक्की नंबर जो है वो हमेशा वो बोला करेगा, तो वो ट्यूटर्ड है हमेशा, एट रेंडम आना चाहिए जो अभी प्लेनेट दे रहे हैं, तो इसलिए लक्की नंबर को मना करते हैं। और वो और सर हम लोग ट्रांजिट यूज कर सकते हैं इसके अंदर, वो मैं बताऊंगा अभी हाउ टू यूज इट, और कर सकते हैं, करेंगे भी, कैसे करेंगे बता। अच्छा प्रश्न में ट्रांजिट यूज अभी अभी करेंगे, अच्छा अभी करेंगे। और सर जेमस्टोन का बता ही दिया हमारे, हां और भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन का मतलब है कि कोई पूछता है कि मेरी बहन की शादी कब होगी, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है, लड़का अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे मतलब पास्ट का होगा या क्या होगा, फॉरेन में शादी, वो एक ही क्वेश्चन है पूरा, जो क्या कहते हैं इवेंट है पूरा डिस्कस होगा, वो एक ही क्वेश्चन है। अब जो है वो पूछता है कि अभी ये बता दो मेरी बहन की शादी कब होगी और मेरी जॉब कब लगेगी, तो मेरी जॉब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो अगर वो हमें लगता है कि ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका जिंदगी का, बहन होगी 31 साल की, इसके मतलब दो बच्चे हैं और इसकी जॉब पिछले 6 महीने से नहीं है, तो ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन हो गया, तो फिर एक क्वेश्चन को निपटा के उसका आंसर निपटा के फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, तो फिर उसको निपटा लेंगे, फिर तीसरा मम्मी भी बीमार है वो नहीं, तो छोड़ देंगे, फिर उसको बोलेंगे बाद में आना, ठीक है, ज्यादा नहीं। एक सीट है जो उसने पूछा बहन की शादी, ओके ओके ए और बी से होगी, तो उसमें क्या है कि ए है, ये है लड़की ए या लड़की बी, ठीक है, शादी इससे होगी या इससे होगी, तो दो सीट लेंगे 120 241, तो फिर दो अलग अलग करके देखेंगे, हाँ दो सीट लेंगे। इस तरह से कोई पूछता ये वाले डॉक्टर का इलाज
ठीक रहेगा या वो वाले डॉक्टर का इलाज हमारे लिए बेहतर रहेगा, तो दो अलग अलग सीट लेंगे, डॉक्टर रामलाल डॉक्टर श्यामलाल। डॉक्टर रामलाल का सीट खोला हमने, असेंडेंट से ठीक तो मैंने ही होना है, मतलब या जिसमें होना कि भी जैसे मेरी बहन का इलाज हम कराना चाहते हैं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं रह रही, तो रामलाल एक नया डॉक्टर कह रहे हैं, एक श्यामलाल कह रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि दो सीट ले लिए 120 241। अब बहन बड़ी है तो 11 से घुमा के देखेंगे कि रामलाल और श्यामलाल दोनों में से किसका 5/11 अधिकार है, तो उसका इलाज मेरी बहन को अधिक ठीक रहेगा, तो उस डॉक्टर से इलाज कराना है। और तीन डॉक्टर हो गए तो तीन, चार डॉक्टर हो गए तो चार, और चारों डॉक्टर में 5/11 नहीं आ रहा, इसका मतलब रोग ही ऐसा है कि वो उसमें काफी समस्या है, तो किसी से भी करा ले। क्वेश्चन डिस्कस करते करते रहे, जब आप उसका आंसर निकालने लगेंगे तब उसकी का टाइम लेंगे, जब वो लगाएंगे तभी डालेंगे। जैसे उसने पूछा कि ये बताए रामलाल ठीक रहेगा या श्यामलाल, तो बोले एक रामलाल का सीट निकाल एक श्यामलाल का सीट निकाल। अब आपने रामलाल चेक किया उसका समझ लो एक प्रिंटआउट निकाल लिया, एक श्यामलाल चेक किया उसका समझ लो प्रिंटआउट। अब आपने दोनों को असेस किया तो दोनों को निकालने के डिफरेंस जो है सेकंड्स में ही होगा, आवर्स या मिनट्स में तो होने से रहा, मिनट्स में भी होने, क्योंकि आपने तुरंत दोनों को ही कंपेयर करना ना, उसमें डिफरेंस तो होने, डिफरेंस तब होगा जब उसके दो सवाल हैं, बहन की शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, तो बहन की शादी कब होगी, उसका दशमलव दशा आ रही है जुपिटर मरकरी वीनस, एग्जांपल। उन्होंने सोलह भी जुपिटर मरकरी वीनस जब आएगा जो अभी से 6 महीने के बाद आ रहा है, तो 6 महीने बाद बात पक्की हो जाएगी, उसके बाद शादी हो जाएगी। अब उसका सवाल है कि लड़का अच्छा मिल जाएगा, जुपिटर मरकरी वीनस है, हाँ जी लड़का अच्छा मिल जाएगा। फिर उसने पूछा क्या अपने क्या नाम है कास्ट ट्रीट कल्चर ऐसा जो है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अभी ये क्या है लड़का विदेश में शादी होगी या अपने उसमें रहेगी, तो तीनों बार मुझे देश जाने का योग बनता है। अब ये पूरी जो बात की डिस्कशन होती है हो सकता है 20 मिनट लगे। अब उसने पूछा मेरी नौकरी का बताओ, तो फिर 20 मिनट के बाद ही उसका आंसर डलेगा, क्योंकि उसका तो हमने सॉरी 20 मिनट के बाद ही उसका आंसर देख रहे, तो फिर वो टाइम ओवर 20 मिनट बाद डलेगा। और बताओ हो गया ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर ले सर। सर जो प्रश्न कुंडली बनती है, हाँ जी सर, उसके कोऑर्डिनेट्स जो आते हैं वो रेगुलर लगन कुंडली से मैच करेंगे प्रेडिक्शन के मामले में? नहीं कोई जरूरी नहीं है, वैसे तो नॉर्मली हम एस्ट्रोलॉजी तभी मतलब सॉरी प्रश्न ज्योतिष तभी हम प्रयोग करेंगे जब जन्म कुंडली नहीं है या जन्म कुंडली से उत्तर नहीं दिया जा सकता। अच्छा नहीं तो अदरवाइज रेगुलर कुंडली से देखेंगे। लेकिन कई बार ये होगा कि दोनों से दिया जा सकता है और दोनों के आंसर जो है कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे मैं बता सकता हूँ आपको, कि समझ लो किसी ने बोला कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ठीक है। अब वो बंदा अगर एक ही बिजनेस कर रहा है तो उसको जन्म पत्नी से देखना है, लेकिन अगर वो तीन बिजनेस कर रहा है तो उसको प्रश्न ज्योतिष से ही देखना है। जन्म पत्नी हो सकता है बताए कि इसको प्रॉफिट होगा नहीं, ये इसका पीरियड ठीक है तो हम ये बोलेंगे प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रश्न ज्योतिष बता रही है प्रश्न लिया वो बता रहे लॉस होगा। दोनों ही जवाब ठीक है, दोनों जवाब कैसे ठीक है कि अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट ही होना है इस साल में या इस पीरियड में, लेकिन इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर प्रश्न ज्योतिष कह रही है कि लॉस हो रहा है तो वो लॉस ही होगा। तीन बिजनेस में दो में इसका मतलब प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा। यस, अगर इफ ही आस्क सच अ क्वेश्चन, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया इस पर्टिकुलर बिजनेस में प्रॉफिट होगा लॉस, तो वी शुड नॉट रिलाई ऑन जन्म कुंडली पे हम भरोसा करके आंसर नहीं दे सकते। तो सर जैसे कोई पूछे अगर एक ही हो, एक ही बिजनेस हो,
एक बिजनेस तो जन्म पत्नी से ही देखना ना, फिर तो बात, फिर तो लगाने की जरूरत नहीं। तो कई केस में क्या होगा कि कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल जवाब हो सकते हैं, आंसर दोनों के ठीक होंगे। हाँ, अगर जन्म पत्री और लगन चार्ट ये दोनों बताते हैं एक ही, दोनों के कॉन्ट्रडिक्टरी जवाब होते हैं, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी ही कॉन्ट्रडिक्टरी आ सकता है, दोनों ही चीजें करेक्ट नहीं हो सकती। जैसे मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, इसमें तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो सकते ना। अगर कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं फिर तो बात आ जाएगी ना, कौन सा ठीक है कौन सा गलत। फिर प्रश्न ज्योतिष ठीक है, जन्म पत्री गलत है, उसके दो रीजन है। रीजन नंबर वन कि टाइम ऑफ बर्थ कैन बी इनकरेक्ट, वन रीजन। सेकेंडली टाइम ऑफ बर्थ भी कैन बी करेक्ट, बट आदमी क्या अब जो है एक एज के बाद, शादी वाला नहीं, एज के बाद कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मेरी उम्र जैसे 53 साल होगी, अब मेरा कर्म जुड़ गया, 20-25 साल तक तो कर्म होता ही नहीं, 53 साल तक कर्म हो गया। कर्म को हम उसको मानेंगे जो जब तक वो पढ़ रहा है, अभी कोई प्रोफेशन कोई काम धंधा किया नहीं, कौन सा रास्ता चुनना है जिंदगी में, ठीक है, तो वो 22-24-25 साल तक नहीं। अभी है जो मेरे कर्म है, जैसे मैं 19 साल के अंदर शुरू किया था काम करना, आज 53 हो गए, कितने 34 ईयर्स, ओह माय गॉड। तो अब 34 ईयर्स में कर्म जुड़ गए, तो जन्मपत्री करेक्ट होते हुए भी अब क्योंकि कर्म जुड़ गया है तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाती है, दो रीजन हो गए। ठीक, और बताओ। जब वो उसके तीन बिजनेस होंगे ना, वो पूछेगा जैसे वो डब्बे वाले काम कर रहे हैं, असि नया शुरू किया डब्बे वाला काम, वो तो ठीक चल रहा है लेकिन पिछला जरा थोड़ी प्रॉब्लम जी आ रही, वो कोई ना कोई ऐसी बात कह देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो दो बिजनेस कर रहा है या तीन, चल जाएगा पता बात करने के लिहाज से। और अगर उसने नहीं क्लैरिफाई किया, हमने भी नहीं पूछा, तो फिर तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है यार, तो बंदा देख के जवाब देना पड़ेगा। उसको बताने की क्या जरूरत है, उसको तो बोला ये प्रश्न सोचिए, जैसे उसने पूछा कि मैं बेटा को इस यूनिवर्सिटी भेजूं या उस यूनिवर्सिटी में, तो आप आंख बंद कर लीजिए और एक यूनिवर्सिटी जो है ये हार्वर्ड है, दूसरी यूनिवर्सिटी फलानी है, ये हार्वर्ड का सोच के एक नंबर खोल लीजिए और फलाने का सोच के एक नंबर खोल, क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उससे क्या लेना देना, हमने जवाब देना है उसको, जवाब चाहिए, जवाब दे दिया, जयराम उसको तो जितना आप समझाओगे उतना फंसे वाली बात होती है। वो हमसे ही पूछते हैं ये जेम स्टोन बता दो, मैं कहा ये वाला पहन ले, अच्छा फिर ये सूर्य तो मेरा 12वें घर में बैठा है, तो मैं यार 13वें में बैठा तुझे क्या लेना है, नहीं नहीं फिर देखो ना है भी तो अष्टमेश, मैं भैया अगर तेरे को पता ही है तो फिर तू खुद ही देख ले, तो ये थोड़ा हो जाता है। खैर ऐसा कह नहीं सकते, बंदे ने पैर दिए फिर उसको जाना पड़ता है, लेकिन अगले लेकिन फिर जब उसको आता ही वो होता है फिर की करिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब ये सवाल आपके पिछले क्लास के खत्म हुए, अब ऐसे सवाल हैं जो मैंने जिनके कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाए, उन सवालों के सबके मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ाए हुए हैं। जो सवाल ऐसे हैं जैसे प्रॉपर्टी कब खरीदूंगा, प्रॉपर्टी सेल कब करूंगा, रेजिडेंस कब चेंज होगा, ये अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो फायदा होगा नहीं होगा, तो ये कॉम्बिनेशन आपको पता है, प्रॉपर्टी का 4-11-12, मैरिज का 2-7-11, ट्रीटमेंट सफल होगा नहीं होगा 5-11, 5-9-11, विदेश जाऊंगा नहीं 3-9-12, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा 3-11, PR मिलेगी नहीं मिलेगी तो 3-11, सेम
ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा वही सेम बात है फ्री या फ्री। मेरे को ऑस्ट्रेलिया की वो सिटीजनशिप मिल जाएगी तो वही 3,000। ये कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको जो जो जनरल है वो तो मैंने पढ़ाए हुए हैं। जो ये वाले जो हैं कॉम्बिनेशन जो मैंने लोग पूछेंगे और वो आम जिंदगी में नॉर्मली लोग नहीं पूछे जाते पूछते तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर उसमें कॉम्बिनेशन आपको खुद बनाने पड़ेंगे ये पॉजिटिव कौन से है नेगेटिव कौन से। ठीक है अब मैं आपसे एक मैं प्रश्न मूल्य अभी लगाता हूँ अभी लगाऊंगा ना सर आपको लगाऊंगा। अब किसी ने सवाल पूछा ममता जी ये बताओ कि घर के बाहर कूड़ा पड़ा काफी टाइम से कूड़ा कब उठेगा सॉरी दूसरी तरह से बात घर के बाहर कूड़ा पड़ा है और एमसीडी वाले काफी टाइम से वो कूड़े को नहीं उठा रहे हमने कई बार फोन किया है तो ये कल परसों हम तंग आ गए हैं कल परसों ये उठाए तो बताओ नहीं उठाते तो हम उठाए तो अब उसका सवाल ये है कि वो उठाएगा नहीं उठाएगा नहीं तो फिर तो उठा नहीं तो हमने सीड ले लेना तो अब उठ जाएगा कूड़ा तो क्या कॉम्बिनेशन है तू ममता तेरे में ममता कहां से आ गई हाँ बोलो ममता जी इच्छा पूर्ण होगी ठीक है 11 हो गया ठीक है वेरी इंटेलिजेंट हाँ हाँ नहीं ठीक है इच्छा पूर्ण होगी वेरी गुड है और बताओ ये बहुत अच्छी बात की आपने आपको ये देखना है कि कूड़े उठने से मेरे को क्या बेनिफिट होता है दिस द बेस्ट थिंग ठीक है ना तो कूड़ा उठने से क्या होगा हेल्थ होगा सर ठीक वो ममता जी ने बोल दिया ठीक है ना आपने भी बिल्कुल ठीक बोला कि इससे हाइजीन और हेल्थ हमें ये देखना है उससे मुझको बेनिफिट क्या हो रहा है हाइजीन और हेल्थ का बेनिफिट है और क्या बेनिफिट है मेरे को अच्छा लगेगा स्मेल नहीं आएगी हेल्थ के लिए ठीक है हाइजीन के लिए ठीक है ना। अब बताइए इसका पॉजिटिव कॉम्बिनेशन अब बताओ क्या होगा अब आपको ठीक है वन मीटर जुड़ सकता है ठीक है। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन है मैं शिमला जा रहा हूँ और ये 3 दिन रहूंगा तो मेरे सामने मेरे होते हुए क्या बर्फ गिरेगी नहीं गिरेगी इसमें कोई हेल्थ का लेना देना नहीं हाइजीन का फील गुड फैक्टर है कॉम्बिनेशन इज 5-9-11 ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू हाइजीन हेल्थ फील गुड फैक्टर इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन मेरी बहन से थोड़ा सा हो गया मनमुटाव हो गया उनसे मनमुटाव कब ठीक होगा देखना लगन से है बहन से नहीं घुमाना क्योंकि रिलेशन तो ये सारा कॉम्बिनेशन यही है 1-5-9-11 ठीक है कुछ नहीं 6-8-12 नेगेटिव रिलेशन सर रिलेशन में तो 2 भी ऐड हो जाएगा ना 2-5-9-11 1-5-9-11 की जगह 2-5-9-11 ठीक है। तो ये बिल्कुल कोई भी ऐसा क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू हाइजीन हेल्थ फील गुड फैक्टर रिलेशन यही आएगा ठीक है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है हु विल विन द मैच ठीक है। तो मेजोरिटी टाइम पे क्वेश्चन ये नहीं होगा हु विल विन द मैच मेजोरिटी टाइम पे क्वेश्चन ये होगा विल माई कंट्री और माई टीम विन द मैच और नॉट
ठीक है ना, नॉर्मली क्वेश्चन ये होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो इंडिया नहीं बोलेगा यार इंडिया जीत जाएगी, पाकिस्तान ही बोलेगा अभी पाकिस्तान जीत, ऑब्वियस सी बात। तो हम सिर्फ एक ही सीड लेंगे और देखेंगे अगर 6-11, 10-11 है तो अपनी टीम जीतेगी, नहीं तो दूसरी जीत, ठीक है। उनपे अब ये क्वेश्चन कभी कभी ही लेंगे, मतलब जब जज्बा आ जाता है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जज्बा आ जाता है पाकिस्तान में, जज्बा आ जाता है हमारे में, जज्बा आ जाता है, वो जज्बा हमारा इंडिया श्रीलंका में नहीं आता, एक नेचुरल सी बात। तो वो हम अगर उसमें जज्बा जज्बा है तो हम लेंगे, अगर इसमें सट्टा है फिर ये सवाल का जवाब ठीक नहीं आएगा। तो ये हु विल विन द मैच, मतलब विल माइक टीम विन द मैच, तो कोई भी क्वेश्चन मनी फाइनेंस सर, आज वाले मैच का मैंने ट्राई करके देखा था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का कंपटीशन, इससे रिलेटेड आता है तो फिर 6-11, 10-11 पॉजिटिव है, और 6-8-12 जो है ये नेगेटिव है। तो क्वेश्चन मोटे तौर पे ये दो ही टाइप के हो सकते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आजकल जो है होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं कि द न्यूज इज करेक्ट और नॉट। अब ये क्वेश्चन आजकल इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन इज सो फास्ट, यू कैन नो इट लाइक दिस, गो टू द इंटरनेट, चेक इट, मैटर इज फिनिश्ड। लेकिन पहले होता था ये, कोई चीज हो गई तो उसकी सूचना आनी में कई बार अफवाह होती थी। तो ये 3-11 है, 3-10-11 है, 3-6-11 है, तो ये पॉजिटिव है, और 3-6-8, 3-6-12, 3-8-12 ये सब है, तो ये पहले होता था कि भाई जैसे इसने सवाल क्या दिया, जैसे 78 या 79 में हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो में खबर आ गई थी जयप्रकाश नारायण जी की डेथ हो गई है, वो ही नहीं थी, तो गलत है न्यूज, ऐसे गणेश जी दूध पी रहे नहीं पी रहे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, वो लगा देते हैं सर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई पूछता है कि भाई एक पहले हल्ला हुआ था, तो इंडिया टीवी है सबसे अच्छा टीवी शुरू से है, ये हमारे जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया टीवी है, लेकिन इसमें ज्योतिष प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का ज्यादा है। देखिए मिल गई स्वर्ग की सीढ़ियां, मिल गई अनिप्रीत, आजकल तो आजकल अनिप्रीत के पीछे लगे हुए, अनिप्रीत कैसे मिलेगी, इन वैज्ञानिक से पूछते हैं, ये वैज्ञानिक रूप से बता रहे हैं, जहां हनीप्रीत है उसके 500 किलोमीटर के रेंज में कहीं ना कहीं हवाई अड्डा है, और उसके 200 किलोमीटर रेंज में कहीं ना कहीं तो स्टेशन है, और हवाई अड्डे पे हवाई जहाज उतरता मैं देख रहा हूं, हवाई अड्डे का जो नाम है उसमें अंदर कहीं ना कहीं ASK नाम आ रहा है, पुठे एक कंधे से मुए ड्रामे कर दे हद है यार, बेशरम ना 500 किलोमीटर रेंज में, 200 किलोमीटर रेंज में कहीं ना कहीं हवाई अड्डा, इडियट। चल अब इसको लगाते हैं, क्वेश्चन था पीछे बड़ा रोला हो गया था कि भाई वो जो वो है क्या कहते हैं उसको, प्रलय आने वाली है, और 2012 में जो पृथ्वी जो है मूवी बनी, अभी सब कोई तहस नहस हो जाएगा, ये सब खत्म, ठीक है। तो अभी किसी ने सवाल पूछा कि भाई तहस नहस हो जाएगा, अब आपने देखना है तहस नहस हो जाएगा तो क्या तहस नहस हो जाएगा बताओ, पृथ्वी, जब पृथ्वी तहस नहस होगी तो भैया अर्थक्वेक आएगा, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बताओ जी ममता जी बताओ क्या होता फिर, डिस्ट्रक्शन होगी ना, डिस्ट्रक्शन का ज्योतिष में क्या कॉम्बिनेशन हो गया, वो हो गया प्रॉपर्टी लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लॉस क्या हो गया, बिल 4-6-8-12, 4-7-8-12 ऐसे, है ना। प्रणाम सर। प्रणाम सर जी, प्रणाम।
इसमें देखना आएगा ना। प्रलय, हाँ ये ठीक है। तो अब ये देखना है कि प्रलय क्या आएगी 2012 में, ये हमारा सवाल हो गया। वैसे तो ये सारे वो मतलब उसके क्वेश्चन है, क्या नाम है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन, कॉमन सेंस के क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि तो प्रलय इसमें तो लॉस ऑफ ये लोगों की डेथ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी तीनों चीजें आएगा ना। हाँ वही वही होगा ना सर, मतलब हमने तो 6-8 ही देखा ना मोटे तौर पे। ठीक है ठीक है, 6-8 ही होगा सर। जब कुछ समय नहीं आ रहा तो 6-8 ना होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। जब हमें, अब मैं यही आपको कहने वाला था, अगर कुछ भी समझ ना आए कि भाई क्या देखूं क्या ना देखूं, तो बस आप ये देखना 6-8 ना हो, बाकी सब ठीक है। तो इसका मतलब वो ठीक है, 6-8 अब ना भी दिखेगा तो कुछ लफड़ा तो नहीं हो रहा ना यार, मेनली बात है न्यूट्रल है तो भी पॉजिटिव है ना। ठीक है ना, तो अब ये देख लेते हैं कि ये 9 के 9 आप देख रहे हो ग्रह हैं, अब कहीं भी 4-6 वगैरह नजर नहीं आ रहा, 11 भी नजर नहीं आ रहा इसका। हाँ ना, तो इसका मतलब कुछ मतलब डिमोलिशन तो नहीं हो रही ना, तबाही तो नहीं हो रही। तो अब क्या है कि 2012 का देखना है तो हमें करंट जो है दशा देखनी है, जैसे मरकरी में राहु है, ठीक है ना। तो जब सवाल पूछा गया तो हमने देखना 2012 में कौन सी दशा चल रही है, तो मरकरी जो है वो पॉजिटिव है, राहु में हल्की प्रॉब्लम है, उस समय की दशा बुक के अंदर मैं देख के बताया, तो ये ना उस पर आ नहीं रही, क्या नाम है, स्क्रीन में आ नहीं रही, तो मैं अभी देख के बता देता हूँ। तो वो जो है पूरा देखो आप, केतु पॉजिटिव है, वीनस पॉजिटिव है, सन पॉजिटिव है, मून पॉजिटिव है, मार्स और राहु ठीक नहीं है, जुपिटर पॉजिटिव है, शनि पॉजिटिव है, मरकरी, तो यानी कि कुछ छुटपुट हो जाए तो हम कह नहीं सकते, बट नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन 2012। तो क्वेश्चन वॉज आस्क्ड ऑन, ये भी मैं बता देता हूँ आप, कब पूछा था, 6 जनवरी 2008 को पूछा गया था। ठीक है, तो उसका मतलब जाहिर सी बात है मरकरी जुपिटर या मरकरी शनि चल रहा होगा, है ना, 2008 में पूछा। तो इस तरह से हमें देख के जवाब दे देना। और क्वेश्चन हो सकता है, किसी ने ये पूछा था कि जो बंदर है ना वो खाना लेके भाग जाते हैं, ये पता नहीं कहीं अगर है तो मैं देख लेता हूँ, या कोई और, हाँ वो 1 करोड़ का 2005 में ना किसी को जॉब मिली थी 1 करोड़ की, 1 करोड़ की जॉब बहुत होती है, तो उसकी बीवी का उसको, अब ऐसे नाम नहीं याद रहते ना भाई, अब नाम नहीं याद रहते ना, पुल बनाने ढीगड़ा नाम नहीं, 1 करोड़ का आदमी 1 करोड़ की बीवी, बात खत्म। हमारे तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही, हम तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही जन्मपत्री है ना, हमारे लिए जन्मपत्री हो, मैं क्या लेना देना क्या नाम है, हम तो अपने हिसाब से। ये एक और क्वेश्चन है, ये पता नहीं क्यों नहीं, चलो एनीवे 22 सितंबर 2005, एक मिनट करता हूँ इसको हटा दूंगा फिर खोलना पड़ेगा। सर वाइफ अपने अगर कोई हस्बैंड के बारे में पूछती है तो वो तो सेम फिर असेंडेंट से ही देखना है ना? नहीं नहीं सर, वो असेंडेंट से नहीं देखेंगे ना, हस्बैंड की प्रमोशन कब होगी तो फिर हमें 7 से घुमाना पड़ेगा, हस्बैंड की तबीयत खराब है तो कब ठीक हो जाएगी, तो 7 से घुमाएंगे, तो हमेशा 7 से घुमाएंगे। इस तरह प्रॉपर्टी है वो हमेशा आप लगन से भी ले सकते हो, वो कोई फर्क नहीं है, भाई अपने नाम भी कर लेगा तो लेके कहाँ जाएगा, जगह तो बीवी को ना, वो अलग बात है, विच मैटर इज वो अभी आएगी, मेरा बच्चा कब होगा बीवी पूछती है या हस्बैंड पूछता है, तो बीवी से घुमाओ नहीं है ना मतलब समझ रहे ना मैं आप इससे क्या आगे क्या बोलूं, लाज शर्मी मर्दों का ना आपको पता ही। ठीक है अब आ जाते हैं दोबारा एक बार इसको लगाता हूँ, कोई और क्वेश्चन लगा लेते हैं दोबारा चेंज।
ये है, ये क्वेश्चन है 2005 का है, तो मैं बताता हूँ कि ये हमारी गुरु माता ने पूछा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था कि अपना जो मकान है बिल्डर को दे दिया बनाने के लिए, ठीक है, सितंबर 2005 का क्वेश्चन। अब बिल्डर ने बनाना शुरू किया तो इनको फिर नॉर्मल बिल्डर क्या करते हैं, जब इस तरह का कोई अरेंजमेंट करते हैं, इसका प्लॉट होता है, वो क्या करते हैं, जो मालिक होता है वही रह रहा होता है, तो अब उसको भी रहने की जगह चाहिए कहीं, जब तक वो कंस्ट्रक्शन चलेगी, तो उसको साथ में दो चार मकान छोड़ के कहीं ना कहीं एक फ्लोर दे देते चला जाता किराए पर, और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो अब उसने जैसे बिल्डर ने अब वो वायदा किया कि भाई इसको मैं 1.5 साल में कंप्लीट कर दूंगा, तो कई बार हो सकता है 1.5 साल के 1 साल 9 महीने हो जाए, ये पॉसिबल है, कंस्ट्रक्शन में टाइम बढ़ ज्यादा भी लग जाता कई बार। तो फिर उनका क्वेश्चन था कि भाई हम कब किराए वाले मकान से अपने घर में शिफ्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो अब ये चेंज ऑफ रेजिडेंस का क्वेश्चन और कुछ नहीं है, इसमें कोई समस्या कुछ नहीं है, चेंज ऑफ रेजिडेंस का क्वेश्चन है। तो चेंज ऑफ रेजिडेंस का कॉम्बिनेशन आपको याद नहीं होगा नॉर्मली, मतलब कम ही आता है क्वेश्चन, ही कम आता है 3-5, उसका कॉम्बिनेशन है 3-5। तो ये सन क्या हो गया, देखे 3-3-3, और मार्स क्या हो गया, मार्स क्या हो गया 3-5, और सितंबर में क्वेश्चन पूछा है तो सितंबर 22 को पूछा, तो ये हो गया जुपिटर चल रहा है, तो फिर आगे शनि चल रहा है, मरकरी अभी चल रहा है, सब चल रहा है जुपिटर है ना, फिर चल रहा है शनि, फिर चल रहा है मरकरी, केतु वीनस सन मून मार्स। अब इसमें कौन कौन से पॉजिटिव है एक बार देख लेते हैं। केतु जरा थोड़ा सा अच्छा नहीं बता रहा, इसमें 6-8-12 बहुत है, 3-6-8-12 तो या 4-6-8-12 वो ठीक नहीं बता। वीनस में सिर्फ 3 है, इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ऑलमोस्ट न्यूट्रल टाइप का, थोड़ा सा पॉजिटिव, लेकिन 6-12 भी तो आ गया वीनस में, ठीक है ना, तेरी बात बिल्कुल ठीक है। अब देख 11-10-10 है, तो बता 6-12 विन करा या नहीं करा, ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, तो फिर मतलब 2 मिनट रुक के देख लें तो आसान हो जाता है, ठीक है। सन जो है वो ठीक है, मून में 3-5 है, मार्स में 3-5 है, राहु 6-12 ज्यादा है, जुपिटर वी कैन नॉट से एनीथिंग नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, शनि खराब है, मरकरी में 2 बार 3 है, तो इसका मतलब है सन मार्स एंड मरकरी, मतलब और महीना 1.5 महीना में, अभी एंड ऑफ सितंबर में पूछ रहे हैं, तो कहा कि 1.5 महीने में 2 महीने तक हो जाएगा, महीने के बाद 2 महीने तक तो आप चले जाओगे, कोई समस्या नहीं जाने यार। सन में कोई 6-8-12 नहीं है, मार्स में कहीं कोई 6-8-12 नहीं, सब कुछ स्मूथ है, आगे मरकरी बिल्कुल स्मूथ सा है। अभी ये जो अंतरे हैं सिर्फ वही थोड़ा बहुत वही कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें आड़ी हुई है, क्योंकि तो दशाभूति पॉजिटिव है, अंतरे ही खराब है, तो छोटी मोटी चीजें, सफेदी आया तो बिजली का कनेक्शन आया, तो पानी का कनेक्शन आया, तो ऐसे कुछ छुटपुट चीजें आड़ी पड़ी होंगी, तो वो माइनर सी प्रॉब्लम्स है, ज्यादा एंग्जाइटी में घबराऊंगा, महीना हो सकता है डिले हो जाए, सब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जवाब देने, सवाल पूछेगा आदमी तो नॉर्मली कॉम्बिनेशन वहां नजर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सर हमें दिखेगा। अब ये तो हो गए वो वाले क्वेश्चन जो नॉर्मल, इसको सर इसको प्रॉफिट में भी लॉस में भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे को अगर नहीं मिलता है घर तो मैं किराया दे रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ इसका मतलब है घर होते हुए किराया दे रहा हूँ, इसका मतलब लॉस है मेरा। नहीं नहीं सर, मतलब मैं को इनडायरेक्ट नाक को यूं ना पकड़े, सीधा ही पकड़ लें कब चेंज हो रहा है वो जो, ठीक नहीं नहीं एक तो ये होगा, तो दूसरा है क्या है कि ये उनमें आपस में जो बिल्डर में और जो मालिक है उसमें ये एग्रीमेंट होता है नॉर्मली, आई डोंट से आई हैव नॉट सीन दिस एग्रीमेंट हियर, बट इट इज नॉर्मली एन एग्रीमेंट, वो लिखवा लेता है कि भैया 1.5 साल है, 1.5 साल से ऊपर होगा भैया तू ही देगा, मैं नहीं दूंगा, अगर डिले करेगा तो उसकी जुर्माना तू ही भुगतेगा, तो वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो है कि एक नॉर्मली हो ही जाता है आदमी का कि वो
मकान जो आप लोग बढ़िया बनवा रहा है और अपने सामने देख रहा है मकान बन रहा है तो फिर जाने की भी इच्छा होती है। हाँ हाँ होती है बाकी कई बार। वैसे हमारी जो गुरु माता है ना वो तो उन्होंने ना वो बड़ी ज्यादा होती है एंग्जाइटी रहती है। साढ़े गुरु जी बड़े परेशान है। सर एक मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ सर एक मेरा भी क्वेश्चन है। अभी किसी ने सर प्रश्न कुंडली लगवाई थी तो उनके भाई अरेस्ट हो गए थे तो उन्होंने प्रश्न कुंडली लगवाई कि कब तक हमने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अगले हफ्ते हियरिंग है तो रिलीज होंगे कि नहीं तो लगाई थी। तो सर हमने देखा था कि टाइम आ रहा है पिछले एक डेढ़ महीने का जो थोड़ा खराब है तो स्पेसिफिकली पूछ रहे थे कि आप बताइए ये जो हियरिंग है इसमें बेल की एप्लीकेशन डालेंगे हियर होगी नहीं होगी तो वो कैसे देखेंगे। नहीं वो जो जैसे अभी हमने सीट डाला और उसके अंदर 6, 11, 10, 11 है तो मिल जाएगी और अगर उसके अंदर 6, 8, 12 है तो नहीं मिलेगी। और क्योंकि वो उन्होंने टाइम मुहैया कर दिया है कि इस दिन हियरिंग है तो दिस क्वेश्चन इज फॉर दिस हियरिंग ओनली इस बार नहीं होगी। और फिर वो नेक्स्ट टाइम अगर आते हैं पूछने तो फिर नया सीट लेंगे या फिर वो पूछते हैं फिर कब होगी तो फिर हम नया सीट लेंगे। अच्छा ठीक मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन अगर कोई आदमी पूछता है कि मैं प्रॉपर्टी कब खरीदूंगा तो उसने जो है टाइम की लिमिट खुद नहीं डाली तो अब आंसर आ सकता है 6 महीने 2 साल 5 साल 10 साल कब दशा भुक्ति अंतर आएगी हमें तो पता नहीं। अब वो जो भी आएगी हमने बता देना। अब उसने समझ लो कई बार आदमी पूछता है कि है ना अस्सी चाहे अगले साल तक साढ़ा मकान बन जावे ऐसी खरीद लिए। अब उसने 2018-31 दिसंबर तक लिमिट डाल दी ना। अब वो 31 दिसंबर 2018 तक 4, 11, 12 नहीं आ रहा। अब वो बोलता है जी फिर हमने कहा जी अगले साल तक तो नहीं होता फिर उसका सवाल ऑब्वियसली आएगा कब तो फिर सीट नया लेंगे फिर हम देखेंगे पूरा सर उसी सीट में आगे का नहीं देख सकते उसी सीट में उस टाइम के आगे का नहीं देख सीट चेंज होगा क्योंकि उसने उस सीड में तो बॉर्डर तैयार कर दी। ठीक है अब सवाल हो गया लॉस्ट आर्टिकल जो भी करना है ठीक है या चोरी हुई या लॉस्ट है ना इसमें एक होगी बिग आइटम एक स्मॉल आइटम ठीक है तीन चीजें खोल सकते हैं कौन कौन सी बड़ी जैसे कार बड़ी होगी बड़ी का मतलब अमाउंट के हिसाब से बड़ी नहीं साइज के हिसाब से बात कर रहे तो उसका रीजन अभी आ जाएगा अलग क्यों कर रहे हैं रीजन आ जाएगा। दूसरी होगी वो अमाउंट से बड़ी छोटी वो भी हो सकती है लेकिन वो उसका वॉल्यूम बड़ा नहीं होगा जैसे जो होगी कैश ज्वेलरी कैश या ज्वेलरी। तीसरी कौन सी आइटम होती है ठीक है तो ये दिल की तो तू ही देख लियो मैं ये पढ़ाता हूँ तो दिल वाली वाली वो तो कोई नहीं पूछता दिल कब वापस मिलेगा नोबडी आस्क्स वो तो कहता खो जाए वो तो क्वेश्चन पूछता ही ना वो तो वापस कब आज के रिजोल्यूशन तो कहती है अब इसके बाद इधर कब मिलेगा फिर कब खो जाए फिर कब खो जाए। ठीक है तो बिग आइटम स्मॉल आइटम तो दोनों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है विल आई गेट द लॉस्ट आर्टिकल बैक और नॉट The lost article back, yes, stolen article back. ठीक है तो 2, 6, 10, 11 है 6, 11 and 10, 11 है तो मिल जाएगा 6, 8, 12 है तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना अब समझ लेते हैं हम कि मिक्स आता है। ठीक है मेरी कार जो है आपने कार जो है कनॉट प्लेस खड़ी की और व्हेन यू केम बैक कार इज नॉट देयर पुलिस हैज नॉट टेकन द कार दैट मींस कार हैज बीन स्टोलन राइट। नई कार है तो फिर पक्का स्टोलन ओल्ड कार कोई चोरी नहीं करते कॉमन सेंस है। अब 2, 6, 10, 11 आ रहा है तो मिल जाएगी 6 से 12 तो नहीं मिलेगी और अगर मिक्स आएगा तो टूटी-फूटी मिलेगी ठीक है ना पुलिस के थ्रू मिलेगी पुलिस वो एसी वेसी सब निकाल लेती है ना बात समझ ले ना बात को मैं भैया यू आर राइट कि मिलेगी तो सही लेकिन उसमें या तो कुछ चीजें गायब होंगी टायर हो सकते हैं एसी हो सकता है स्टीरियो हो सकता है डिपेंडली कितना छेड़ वा रहा है
या अच्छी हालत में ना मिले। अब सवाल ये है जो लोग पूछते हैं या पूछ सकते हैं, उससे कोई बहुत फायदा होगा मैं नहीं जानता, बट पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ चलेगी, भाई कौन सी डायरेक्शन में चलेगी, दूर है, विद इन द सिटी है, कौन सी डायरेक्शन में है, ऐसा लोग पूछते हैं। खैर उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में हम बोले जी वेस्ट डायरेक्शन में, ज्योतिष में ये तो भी पता चलेगा जनकपुरी में है या विकासपुरी में, अच्छा पता भी चल जाए जनकपुरी में कांड होगा। जनकपुरी इज नॉट स्मॉल, जनकपुरी का मतलब हो गया न्यूजीलैंड, पॉपुलेशन के हिसाब से हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है ना। दिल्ली में है, दिल्ली का मतलब क्या, ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन, मामूली बात थोड़ी ना। तो अब एक सवाल हो गया वेयर द कार इज, बिग आइटम की बात है, वेयर द कार इज, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, आंसर करेंगे रोटेट From seventh house. Why seventh house? Seventh house is thief. तो वो चोर कहाँ ले गया, कार नहीं पता चलेगा, चोर का पता चलेगा, चोर कहाँ ले गया। अगर 9-12 आता है तो फार, 4 आता है विद इन सिटी, 4-11 का, और अगर 3 आता है तो सब अर्बन एरिया में, सब अर्बन एरिया हो गया जैसे दिल्ली हो गया, तो हम इसको गुड़गांव पर ले सकते हैं, सोनीपत हो सकता है। सर ये सेवंथ से क्यों घूम, सेवंथ इज ठीक, ठीक। अब डायरेक्शन, अब इसके बाद डायरेक्शन है, अब गुड़गांव है या सोनीपत है, ठीक है ना। अगर पूछता है फार है, वेयर फार, ठीक है, वैसे नॉर्मली मुरादाबाद जाएगी, ठीक है। तो ये फिर होता है सन सेचन मार्स मर्करी, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जुपिटर, नॉर्थ ईस्ट वीनस, साउथ ईस्ट मून, तो डिफरेंट प्लैनेट के डायरेक्शन है, लेकिन दशा बुक के अंदर करंट की हमने देखनी है कि कार कहां पर है। तो दशा बुक के अंदर एक ग्रह की तो नहीं होगी, तो कोई 3 ग्रह बता दे भाई, सन मून मार्स, सन मून मार्स, राकेश मुश्किल है, हम ही बोलते हैं। ये हो गया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ, ठीक है, ये इजी हो गया क्योंकि ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ही गई है, ठीक है ना। कोई और बोल यार, अब इसमें क्या करेंगे हम कि साउथ को नॉर्थ से काट दिया हमने, ईस्ट को वेस्ट से काट दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन को हम काट देंगे, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट कट जाएगा, जो बाकी बचेगा वो डायरेक्शन में गया। तो अगर दिल्ली की बात है तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी हमारी लोनी हरिद्वार, हरिद्वार की तरफ, हाँ लोनी की तरफ, हरिद्वार की मतलब वो डायरेक्शन, ठीक है भाई। मुरादाबाद मेरे को बोला मुरादाबाद, ठीक है। अब ये जो है ये कंफ्यूजिंग होगी, कंफ्यूजन क्यों होगी, ये होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर इसको ले, अगर
इसको तो हम नहीं चेंज कर सकते ना। अगर ये आ गई तो आ गई ना भैया, ये तो नेचुरल। अगर ऐसी कंडीशन आती है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ तो देन वी विल टेक दिस। विल टेक साउथ और विल टेक अंतरा। अंतरा मींस अंतरा, मींस अंतरा। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आया तो फिर हमें अंतरा लेना, और कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं आया तो फिर क्लियर हो गया, जो कट गया कट गया, जो बच गया बच गया। मैं अभी करके बताऊंगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, ये होगी बड़ी आइटम, अब आ गई स्मॉल आइटम। स्मॉल आइटम जो है नॉर्मली हमारे घर में होगी, ऑफिस में होगी, या रास्ते में हमसे गिर गई होगी, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी बनती है। स्मॉल आइटम में ज्यादातर क्या ज्वेलरी होगी या कैश होगा, ठीक है, और तो कोई चीज ज्यादा आदमी, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। अब उसमें क्या मिलेगी नहीं मिलेगी तो वही हो गया, 2, 6, 10, 11 मिलेगी, 6, 8, 12 नहीं मिलेगी, और मिक्स आएगा तो अगर 4 लाख रुपए गया तो भाई 2 आ जाएगा, 2 नहीं मिलेगा, 1.5 मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ अंदाजा हम दे देंगे, डिपेंड की कितना 6, 8, 12 स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद सवाल बनता है कि हु इज द थीफ। अगर ये प्रोबेबिलिटी है कि आइटम जो है घर से चोरी हुई है तो क्वेश्चन बनता है हु इज द थीफ, किसने ये। सर इसके अंदर ये भी आज चाय के साथ भाकरवाड़ी है सर, है ना, आप जो मिस कर रहे हैं और मिस करो सर। ये क्या चीज है जी? सर ये वो बॉम्बे से आती है या पूना वगैरह में होती है, भाकरवाड़ी होती है। अच्छा हाँ, ये ऐसे तिल होते हैं सर, मसाले भी बढ़िया सर बनाते हैं। तो नॉर्मली भाई हिंदू जो वो है ना सर, धर्म आपको पता ही है, जो जी जी जो रिमोट होता दूर होता है आदमी उसको सिर्फ दिखाते हैं सर ऐसे करके, है ना, खाते घूमना खाते घूमना, भगवान जो है उसको दिखाते हैं। और अगले संडे से वही आ रहा हूँ सर मैं। क्या सर? अगले संडे से वही आ रहा हूँ मैं सर। ठीक है सर, अगले संडे तक खत्म कर देंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है। थीफा भी है ना, क्योंकि घर के अंदर आइटम है तो भाई हु इज द थीफ हो सकता है कि अब इसमें घर में कई बार बच्चे भी हो सकता है, पड़ोसी अड़ोसी हो सकते हैं घर में, अगर समझो कोई बर्थडे पार्टी है तो कोई चीज चोरी होगी, शादी ब्याह तो चीज चोरी होगी या गुम गई मिसप्लेस होगी। तो ऐसे केस के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी हो जाता है कि हु इज द थीफ। हम रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मन में भावना होते लोग पूछते, तो इसमें क्या करेंगे, रोटेट हॉरोस्कोप फ्रॉम से थर्ड हाउस। अगर 2, 6, 10, 11 आता है नेबर इज थीफ, थर्ड हाउस जो है वो नेबर का है, तो शादी ब्याह में जो है शर्मा जी वर्मा जी भी आए हुए थे, गुप्ता जी भी आए थे, भाई का भी था, यंगर ब्रदर का भी है, ठीक है। रोटेट हाउस फ्रॉम 6th हाउस, 2, 6, 10, 11 आएगा तो अच्छा उसका फायदा हो गया। छठा हाउस सर्वेंट का, 11th हाउस कुलीग का है, फ्रेंड का है, तो वो देख लेंगे
कि जिससे मर्जी हम घुमा के देखेंगे, जहां तो 6-10-11 आ गया वो ठीक है। ठीक है, अब हो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ जो 6-10-11 नहीं आया, यहाँ 6-8-12 आ गया, तो नेबर इज नॉट थीफ, नो नेबर इज अ थीफ, नेदर गुप्ता जी, नो वर्मा जी, ना शर्मा जी, नॉट ब्रदर इवन। सर्वेंट जो है 6 आया था, सर्वेंट थीफ हो गया। ठीक है, इधर भी 6-8-12 आ गया, तो ये भी ठीक नहीं है, फिर से घुमा के देख लिया, यहाँ भी 6-8-12 आ गया, ये भी ठीक नहीं है, हाउस में घुमाएंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। फिफ्थ हाउस चाइल्ड हो गया अपना बच्चा, भाई बाप कौन कौन होगा मेरे में, रिलेटिव होंगे, रिलेटिव कौन कौन हो सकते हैं, बीबी का कर सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, और दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, सर्वेंट हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, अपने घर के मेंबर भी हो सकते हैं, हस्बैंड चोर आया नहीं वो तो नहीं लगेगा, तो माँ बाप ये तो नहीं लगेगा, मतलब मेनली उनका शक होगा। अभी सर कितने बीवी पे शक करा है, कौन है जीत है, मुझे बता कितने जीत बाहर निकल भी तू, बाहर निकल ऐसे पूछा, ऐसे पूछा, बाहर निकल तू। इसकी वाइफ को ये वीडियो भेजते हैं, ठीक सो रही है, ये बाद में भेज सकता हूँ, सो रही है तभी तू पूछ रहा है, वो तो मैं समझ गया, करने की जरूरत नहीं थी। अब वापस आते हैं, अब लगा एक मिनट, सर फिफ्थ हाउस में कौन होगा सर, चाइल्ड है सर, बच्चा ही है अपना, बेटा ही है, तो कई बार बच्चे होंगे भी आज, ये कई बार आ जाता है सर सवाल में, ऐसे कई बार एक मतलब मेरी स्टूडेंट थी, अब उसने बोला कि भाई मैं कैश पैसा रखती हूँ उधर, अब ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई घर में कोई पार्टी थी कुछ, कोई कहती मैं पैसे रखती हूँ, गिन के नहीं रखती थी पहले, मेरे को शक होता था कुछ पैसे ना कम पड़ते, फिर मैं गिनने लगी, जी सर, मैं गिनने लगी तो अब मेरे पास अकाउंट आ गया, मैं देखा हाँ इसमें से 2-4 दिन में 200-400 रुपए का घपला हो जाता है, मेरे जैसा बेटा होगा, अब मेरे जैसा बेटा होगा, इसके जैसा बेटा, इसका फोटो भेज, इसकी वीडियो बना, वीडियो ये सवाल अक्सर आता है सर, ऐसे ये सवाल अक्सर आता है जी, हाँ सर वो आता है सर, कई बार ना बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं ना, थोड़ी आदत पड़ गई कुछ खाने पीने की या कुछ है, तो माँ से बाप से झिझकते हैं बोलते हुए, तो जाके खर्चा कराते हैं, ऐसा हो जाता है, झिझकते हैं कई बार बोलते हैं, तो बोले अभी कौन हो सकता है, क्योंकि तो मेड तो अंदर कमरे के घुसती नहीं इतना, वो मुझे पक्का है नहीं शक, वो घुसती भी है नहीं होती, क्या है क्या नहीं है, और वो किसी पे शक कर नहीं पा रही, तो फिर हमने क्या किया, फिफ्थ हाउस से भी देखा, सेवंथ हाउस से भी देखा, सिक्स्थ हाउस से भी देखा, फिफ्थ हाउस में कुछ नहीं आया, सिक्स्थ हाउस में कुछ नहीं आया, सेवंथ में 2-6-10-11 है, तो मैं कहा जो आपका बेटा है वो पैसा चुरा रहा है, अब आप ख्याल रखो, बोलते वो कैसे हो सकता है, मैं आप ख्याल रखो, तो फिर उसने कुछ दिन बाद जो आपका शक था वो ठीक था, उसने हिंट दे दिया, बस हम ठीक हो गया, तो ये हो जाता कई बार, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसके बाद है कि इसके बाद जो हो गया, अभी सेवंथ हाउस को हमने बच्चा लिया, हस्बैंड नहीं लिया, वो कॉमन सेंस भी है, क्योंकि शी इज हाउस वाइफ, तो वाई द हेल्प द हस्बैंड विल डू इट, है ना। अच्छा अब आ जाते हैं कि अब सर्वेंट एक नहीं है, सर्वेंट 4 है या 5 है, अब क्या करेंगे, ये तो एक ही सीट से चल रहा है, एक सीट लिया जो भी दिखा फिर उसी से घुमा लिया, अब हमें अलग सीट लेने पड़ेंगे, अगर बड़े सारे वो है मतलब सर्वेंट है, तो समझ लो सर्वेंट है, मतलब जैसे समझ लो पहला सर्वेंट है अरविंद, दूसरा है समझ लो सोनिया, तीसरा है समझ लो पप्पू, चौथा है सिब्बल,
पांचवा हो गया चिदम्बरम मालिक मोदी ठीक है मालिक हो गया मोदी हाँ ठीक है सर जेटली नहीं डाला जो जेटली डाला अब छह रो कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना है उससे छह सीट लेने हैं अब ये तो सीट देने नहीं है देने वाले नहीं कौन जाएगा टेंजन पर सीट देने वाला तो क्या करेंगे सीट मोदी से ही लेंगे अब मोदी से सीट ले लिया समझ रही हो गया 22 हो गया 123 हो गया 214 ये हो गया 241 ये हो गया 56 ये हो गया 95 एग्जांपल है छह अब क्या करना है रोटेट फ्रॉम सिक्स सबको रोटेट फ्रॉम सिक्स हाउस अभी ये आ गया 6-11 ये आ गया 10-11 ये आ गया 6-8-12 ये हो गया 6-8 जो भी हो ये हो गया 6-12 ये हो गया 6-10 ठीक है इसका मतलब ये तीनों ने तो नहीं कमाई की जेटली को थोड़े से पैसे मिले हैं मेन माल जो है अरविंद और अरविंद केजरीवाल और सोनिया ने ये बात सर सीट उसी जिस चीज जिसकी चीज गुम होगी सीट उसी से लेना है सर जी सर वही वही पूछेगा सर दूसरा क्यों पूछेगा दूसरा क्यों पूछेगा सर चार पांच सीट जितने भी सर्वेंट्स हो उनका सीट उसी बंदे से लेना है हाँ सर और कौन देगा उसी से लेना पड़ेगा सर और तो कोई सवाल ही नहीं पूछेगा नोबडी इज इंटरेस्टेड जिसका पैसा जाएगा जिसका सामान गुम होगा जिसको नुकसान हुआ है वही पूछेगा सर सर वो डीबीए में ही देखना है ना और मेजॉरिटी प्लेनेट में नहीं सर डीबीए में करंट के डीबीए में देखना है क्योंकि अभी ही सामान चोरी हुआ है अभी ही उनको मिला है बाद की बात में देखेंगे हाँ जी नहीं सर हम ये मान के चल रहे हैं अभी के दशा भुक्ति अंतर में 2-6-10-11 आया है तो इस चोरी से रिलेटेड सामान जो है इसके पास पड़ा हुआ है इसको फायदा है जो 6-8-12 है उसको तो कोई फायदा ही नहीं बेचारे को वो तो मिला कुछ नहीं उसको बेचारे को वैसे पूछा जा ठीक अब इसमें पत्नी लगाते हैं जो पहले की है ठीक है मैं एक मिनट मेरे को दे दो प्लीज सर कोई सपोज में क्वेश्चन अगर ऐसे जैसे पूछते अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि बेल वाला क्वेश्चन पूछा था तो अगर वो क्वेश्चन अगर रेलेवेंट ना लग रहा हो और हम उनको कुछ आंसर बता सकते हैं जैसे उन्होंने बोला था कि ये टाइम हेयरिंग के लिए सही है कि नहीं है राधा हम बोले कि आप ये पूछो कि इस टाइम पे बेल होगी कि नहीं होगी तो ऐसा कुछ सजेशन को दे सकते हैं या वो जो पूछ रहे हैं उन्हीं का ही आंसर उन्हीं को ही लेना है जो वो सवाल पूछेंगे हम उन्हीं का जवाब देंगे हम अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछ मतलब उनको सजेशन नहीं देंगे ठीक ये आ गया एक क्वेश्चन है क्योंकि जो मतलब उसके मन में जो उठ रहा वही है सर बात तो वही है जो उसके मन में उठ रही है जो उसके मन में उठ ही नहीं रही तो फिर वो क्वेश्चन हो नहीं सकता आज सर मैंने ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के लिए किया था अगली बार बताऊंगा क्या रिजल्ट है ठीक है तो बता देना नहीं तो रहने देना
ये पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। ये आसान वाला कौन सा है कि मोबाइल गुम गया, मोबाइल मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है 9/10/2014, ठीक है। सन, जुपिटर, जुपिटर, ठीक है। सन, जुपिटर और जुपिटर मिल जाएगा, ठीक है। तो सन क्या बता रहा है, 11/12, 1/10, 11/4, 11, जुपिटर जो है वो 2/6, 10/11 पूरा है, 10/2/6 with 11, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर मोबाइल मिलता है तो उसी समय मिल जाए, मिल जाए, उसके बाद मिलना बड़ा मुश्किल है, दो एक दिन में मिल जाए, मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो फिर मुश्किल है, ठीक है ना। जो करंट दशा भुक्ति अंतर अगर पॉजिटिव है, तो कोई भी आइटम, जैसे आदमी गुम गया, गुम गया मतलब सॉरी बच्चा जो है लापता, अभी लापता, अभी हम नहीं कहते कि किडनैप हो गया, हम ये कहते हैं कि भाई बच्चा जो है शाम को 7 बजे तक आ जाना चाहिए था ट्यूशन पढ़ने, आया नहीं, रात भर नहीं आया, वो अगले दिन आ गए शाम को, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा ली, सारे दोस्तों यारों से पूछ लिया, सब कुछ, चाइल्ड इज नॉट देयर, कहीं दिख नहीं रहा। अब वो हमसे पूछते हैं चाइल्ड कब मिलेगा, दशा भुक्ति अंतर समझ लो ऐसे ही पॉजिटिव आ रही है, जैसे अब ये पॉजिटिव आ रहा है कि भी मिलेगा। अब ये तो कि उसको तो बच्चा, माँ को तो अभी चाहिए, वो तो रो रो के उसका बुरा हाल है, किडनैप होगा तो अगले दिन तक फोन आ जाता है नॉर्मली। और ये जो है ये भी मोबाइल मिल जाता, तो अब क्या देखना है इसमें, इसमें सिर्फ मून का ट्रांजिट देखना, सिर्फ मून किसका, अगर मून का रिलेशन कहीं ना कहीं 3/11 से बन रहा है या जब बन जाएगा, ठीक है, पिछली बार मैंने बताया था, अब पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, 3 या 11 से कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन का मतलब है कि सेकंड हाउस में मून है, मान लिया इस जन्मपत्री को मत देखो, सेकंड हाउस में है, तो थर्ड हाउस में वो 2 दिन में मैक्सिमम पहुंच जाएगा, 2 से 3 दिन में, 2.5 दिन में पहुंच जाएगा, तो 2-2.5 दिन से लेकर 5वें दिन तक, क्योंकि वो 2-2.5 दिन उसके अंदर रहे। अगर वो थर्ड में और 11th में है या 5-9 में है, तो भी वो एस्पेक्ट कर रहा है 3 और 11 को, तो वो 2-2.5 दिन में काम हो जाएगा। और अगर वो लगन में है, मून 7th हाउस में लगन में सिर्फ है, तो उसी दिन काम होगा, ठीक है। अब इस समय पे मून किस में है, 5th हाउस में है, और इसकी डिग्री जो है 1 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये 11th तो एस्पेक्ट कर ही रहा है, इसका मतलब इसकी मियाद 2 दिन है, 2 दिन में ही काम, 2 दिन में काम हो जाएगा। जब तक वो 5th हाउस को छोड़ेगा तब तक मोबाइल मिल जाएगा, ये बताना डिफिकल्ट है, आज कल या परसों, समझ आई बात। देख तो लिया तो भाई, ट्रांजिट ये ले, ट्रांजिट देख ले मेरे भाई, क्या डेट है ये, 9/8/2014, 9 अगस्त ये ले, 10 अगस्त का ट्रांजिट, कितने ग्रह है ले, फिर ले 10 अगस्त, ठीक है। तो इसका मतलब 10 अगस्त कब ये मून ने छोड़ा है, दोपहर को छोड़ दिया, तो ये इसका मतलब 11 अगस्त दोपहर तक आपका काम हो जाएगा, सिर्फ मून ही देखना है, इनकेस दशा भुक्ति अंतर इज पॉजिटिव इन द करंट पीरियड। हाँ, जैसे करंट दशा भुक्ति अंतर इज पॉजिटिव, कोई ट्रांजिट देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मून का ट्रांजिट इज इनफ। करंट आ रहा ना, करंट में तो मोबाइल तू खुद ही सोच रहा ना, जी तेरा आईफोन है, हो गया, अगर 2 दिन नहीं मिलता तो मिलने की कितनी संभावना है, 2-3 दिन मैच मिल गया, उसके बाद नहीं मिलना, एक कार का हो सकता है 6 महीने में मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, नई गाड़ी है तो मुरादाबाद चले जाओ, उस समय मिल जाएगी आप, देर नहीं लगाऊंगा, अगले दिन पहुंचे तो फिर
नहीं मिलेगी, फिर उसके स्पेयर्स बोलते ये आपकी कार के स्पेयर्स हैं इकट्ठे कर लो फटाफट भाग के पहुंच जाओ। नहीं नहीं सर, फिफ्थ में है तो मिल रही है, लेकिन वो ढाई दिन के अंदर, ढाई दिन रहेगा ना तकरीबन। आप ये देखो कि मून जो है एक डिग्री है, इसका मतलब ढाई दिन रहेगा रहेगा वो, या दो दिन, सवा दो दिन। तो ये दो सवा दो दिन के अंदर, ढाई दिन के अंदर आपको चीज मिल जाएगी। अगर ये मून जो है 15 डिग्री का होता तो एक दिन में मिल जाता। सर वो 11 हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है इसलिए मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थर्ड और 11th हाउस के साथ के में या तो वो मतलब ट्रांजिट करे या फिर वो एस्पेक्ट करे या दृष्टि करे थर्ड 11 को या जाए तो उसमें से ट्रांजिट करे तो आपको वो चीज मिल जाएगी, या गोया हुआ आदमी है वो मिल जाएगा, या उसकी सूचना मिल जाएगी। जैसे वो मिल गया जी बच्चा आपका ना हरिद्वार में है जी, आप आ जाइए। अब रात को आपको आया 12 बजे फोन, बोले भाई आज सवेरे हम पहुंच रहे हैं जी, 11 बजे फोन आया तो अगले दिन ही पहुंच रहे हो ना, ठीक है। अब ये हो गया, ये सर करंट का ही है ना सर, ऐसा ना ये सर ये हर केस में, ये हर केस में देखना कोई भी गुप्त चीज होगी। हाँ सर, हर चीज के लिए यही है, चाहे वो छोटी है बड़ी है दाएं है बाएं है कुछ भी है। मिलने का टाइम ही हो गया ना सर, 6 महीने के बाद अगर दशा भुक्ति अंदर पॉजिटिव है फिर उसका ट्रांजिट निकालने, फिर उसका मून देखने की जरूरत नहीं। कि जो चीज आपको अप्रैल 2019 में मिल रही है वो 2 अप्रैल को मिल जाए या 28 अप्रैल को मिल जाए, कौन सी बड़ी बात है। जो आज मिल रही है वो तो फिर अभी मिल रही है या कल मिल रही है या परसों मिल रही है। आपकी कोई अगर चीज खो जाती है तो 2-4 दिन बहुत एंग्जाइटी रहेगी, उसके बाद आपकी एंग्जाइटी अपने आप ही खत्म होने लग जाती है। चलो फिर नहीं भी मिलती तो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, चलो फिर ऐसे होने लगे। शुरू शुरू में तो बड़ी गर्मी होती है, आदमी चला हुआ घूम रहा होता है एकदम से होते ही। अब आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन है ये वाला जो ये, ठीक है, ये मेरे ख्याल आपको नहीं आया होगा, अभी मैं कर लेता हूँ। ये 2015 का 3 फरवरी 2015, शनि जुपिटर शनि, ठीक है, शनि जुपिटर शनि। अब इसमें कैश चोरी हो गया, कैश चोरी हो गया, कैश चोरी हो गया। तो ये वहां पर हुंडई की एक एजेंसी है मुंबई में, मुंबई में जिनके यहां मैं पढ़ा रहा था, तो एक समय था मेरा ये बीच बीच में आता रहता है, जिथे प्या पैर उजड़ गया वो शहर, जहां जहां मैं पहुंचता हूँ वहां कलेश पड़ जाता है। तो पिछले साल वहां में गया था, कश्मीर गया था, तो बुरानवानी मर गया। चंडीगढ़ गए चंडीगढ़ से डिमोनेटाइजेशन का पंगा मेरे से तो कोई नहीं ना, लेकिन मैं बेंगलोर गया था वहां कावेरी वाटर इश्यू हो गया था, गुजरात गया था तो वो हार्दिक पटेल हो गया था। सर अमेरिका जाए डोनाल्ड ट्रंप मर जाएगा कोई बात नहीं राजे, अगले साल बहुत परेशान करता है मुझे नहीं पता सर सर इफ यू कम टू अमेरिका प्लीज कम हियर, मनहूस होता ना मनहूस ये वो होता मनहूस हाउसफुल वाली बात हो गई वो मूवी। अब क्या ये शनि है जुपिटर शनि, तो इसमें हम मैं पढ़ा रहा था तो ये मेरे को फरवरी का, हाँ 3 फरवरी का, तो इसकी सारी खबर 8 फरवरी तक मेरे को आ गई थी। मैं मेरे को 5 फरवरी को आ गया था दिल्ली, बस मालिक का आंसर भी आ गया था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां तो हम प्रेडिक्शन करके आ गए। तो 3 फरवरी को मेरे ख्याल ये फ्राइडे होगा, मेरे ख्याल शायद या कौन सा मंगलवार है शायद, है ना, मैं आधे पैसे भी दूंगी।
गलत करेगा उसमें क्या बात है, करके एक्सप्लेन कर। पहले क्या है कि पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इनका मेरे का भूल गया मैं, शायद 7 लाख रुपया था या फिर 6.5 लाख, 6 लाख कुछ था। वो पैसा लेके कोई मतलब जो है मिसिंग हो गया, लेके भाग गया, ठीक है ना। अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे बता। ये सर इसमें 3-12 भी है सैटर्न के अंदर, और जुपिटर के अंदर 3-11 भी आ गए, 7 के अंदर 6-8 भी आ रहा है। 3-11 गेंद तो है बट लेकिन पूरा गेंद मिक्स हो गया सारा इसमें। और इसमें सर एक चीज कर सकते हैं, जैसे 5 नाइन आ रहा है तो किसी की हेल्प की वजह से मिलेंगे ऐसा, तो ज्यादा चक्कर में पड़ तो ये बता पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे सीधी बात। इसकी हेल्प पहले तो ये कर, हेल्प बाद में देखेंगे। नहीं मैं तेरे को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले हम देखेंगे कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हेल्प बाद में देखेंगे यार, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है ना। अब बता पहले मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हेल्प भी देखेंगे, हेल्प भी देखेंगे, ठीक है ना। उसका रीजन बता यार। इसमें नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स भी हैं और पॉजिटिव दोनों मिक्स हैं। अब देख लेते हैं, शनि है, शनि है, देख कैसे करना। शनि है 1-3-4, 1-3-4, 3-7 पर, समझाना कैसे है, मैं टीचर हूँ ना, समझाना कैसे। 1-3-4, 1-3-4, 3-7 पर, इसमें 6-8-12 नहीं है, इसमें 2-6-10-11 भी नहीं है, ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ना तो ये बता रहा है मिलेंगे, ना ये बता रहा नहीं मिलेंगे। अब ये तो होता नहीं, तो इसका मतलब कुछ मिलेंगे। अब जुपिटर पे आ जाते हैं, 2-5-9-3-8-11-1-4-6, तो ये भी 6-8 नेगेटिव बता रहा है, 11 डिफीट हो गया, तो इसका मतलब थोड़े से ही मिलेंगे। तो इसका मतलब जो तेरा जवाब हो गया शनि जुपिटर शनि में थोड़े से मिलेंगे हो गए, है ना। तो हमने बता दिया भाई हाँ, दो तीन लाख भी मिल जाए तो मिल जाए, इससे ऊपर हमको नहीं लग रहा कि मिलेंगे, ठीक है, अंदाजा हो गया, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, ठीक है। अब तेरी बात होगी जो तू बता रहा हेल्प 5-9, ये दिस इज योर करेक्ट कि 5-9 विल गिव हेल्प टू फाइंड आउट द थीफ या टू असेस वेयर द मनी इज गॉन, उसको ट्रेल कैसे करें उसको, वो सब ठीक है। अब हमें देखना हु इज द थीफ, जो हम अब हमने जो जो क्वेश्चन वो पूछा, हु इज द थीफ, कस्टमर क्लाइंट ले गया या हमारा सर्वेंट ले गया, तो इसको 6 से घुमाएंगे, शनि जुपिटर शनि में आ गया, 2-6-10-11 आ गया। अब कई बार इजी हो जाएगा वैसे, कॉमन सेंस से भी जवाब हो जाएगा। कॉमन सेंस से जवाब क्यों हो जाएगा, अब जितने आदमी हमने देखे हमारे कितने लेबर लड़ी है, एक बंदा गायब है, एक लड़का गायब है उसमें, और लड़का भी वही गायब है जो हमने नया एम्प्लॉय किया था, दो एक दिन पहले ही किया था और वही गायब है। अब उसको पीछे, अब मैं तो आ गया बॉम्बे से दिल्ली, तो इन्होंने फिर उसको ढूंढना शुरू किया, रिपोर्ट लिखवा दी, तो वो लड़का 6 तारीख को अपने घर को भाग रहा था, तो पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए जिस मतलब ट्रेन में भाग रहा था उनको पता चल गया इस ट्रेन में वो चढ़ा और जा रहा है, तो पुलिस उसके पीछे पीछे चढ़ गई ट्रेन में, तो ये पुलिस वाले को देख के वो ट्रेन से कूद गया और उसकी डेथ हो गई। तो पुलिस वालों ने चेन खींच के नीचे गए तो उसके सामान के अंदर पैसे कुछ तो मिल गए, लेकिन ये लड़का मर गया। वो लड़का मर गया ये हम तो नहीं बता सकते, हम अपने सामान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते, ठीक है, कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो कैसे। अब ये जो मून है ये 15 डिग्री का है, ठीक है। अब ये है कि या तो ये अभी विद इन या फिर ये 11th में जाएगा, तो एनी मतलब वी कैन से सिर्फ आपका ये सब जो है सॉल्व हो जाना चाहिए विद इन 4-5 डेज मैक्सिमम, हो सकता है आज ही हो जाए, लेकिन ये हुआ जाके मतलब 6 तारीख को समथिंग, मैंने 8 को मेरे को बताया था। लेकिन सर लेकिन पहले वाले केस में जब हम लोगों ने पूरा ओवरऑल इसको रिव्यू किया था तो उसमें कोई भी पॉजिटिव तो थे नहीं, पूरे पूरे तो आने देते 2-6-10-11, फिर ट्रांजिट में कैसे जाएंगे सर? एक मिनट सर, वापस आ जाइए सर, एक मिनट सर, सर पॉजिटिव का देखो August 2014 सन जुपिटर, जुपिटर पॉजिटिव का है सर, वो वाली
सर ये वो वाली तो है नहीं सर, रोटेशन से पहले वाला चार्ट समझे, रोटेशन के बाद नहीं बताना सर, मैं फिक्स से रोटेट कर देना इसको। नहीं नहीं ये पहला क्वेश्चन है, मोबाइल जो है वो गायब हो गया, ये पहले वाला क्वेश्चन। अच्छा ये तो मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, पैसा खो गया उसकी बात कर रहा हूं। हां ओके ओके सॉरी, ये तो मोबाइल वाला है, आई एम सॉरी, ये मोबाइल तो पूरा पूछते हैं सर। सर सुन तो लो, ये मोबाइल वाला है, मोबाइल तो हमारा घर में चोरी नहीं हुआ, ये तो हमारा रास्ते में, तो हम तो इस पे लगा नहीं सकते, वो इज द थी एक्स वाई जेड करनी थी। अब वापस आ जाते हैं जो दूसरे वाला है, जिस जो आप मांग रहे हैं, ये हो गया सर। सामान तब नहीं मिलेगा जब क्लियर कट छेड़ आ रहा होगा, सामान तब नहीं मिलेगा बालरा साहब जब बिल्कुल छेड़ पा रहा होगा। अब इसमें ना तो पूरी तरह से छेड़ बना, ना इसमें दो छह दस ग्यारह, या मिक्स हो दो छह दस ग्यारह छेड़ बारह, जब दोनों हैं तो थोड़ा मिलेगा थोड़ा नहीं मिलेगा। जहां पर इस टाइप की भी स्थिति है उसमें कुछ मिलने की उम्मीद है, अगर पूरी तरह से छेड़ बारह नहीं है तो, इसलिए हम देखेंगे। ओके ओके, और अगर आप पूरा एक बार नजर मारते ना इसको सर, तो आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी। जैसे केतु पॉजिटिव बता रहा है, वीनस नेगेटिव बता रहा है, सन न्यूट्रल सा बता रहा है, पॉजिटिव है हल्का सा, मून न्यूट्रल सा है, मार्स न्यूट्रल सा है, राहु न्यूट्रल सा है, जुपिटर नेगेटिव है, शनि न्यूट्रल सा है, मरकरी भी न्यूट्रल या हल्का नेगेटिव माने, तो कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद है, पूरी तरह से छेड़ बारह नहीं है। इस तरह से एक और लड़की का जो हमने पिछली बार जो हमने लगाया था, ये मेरे ही यहाँ छोड़ गई थी पार्सल ना, तो पूछती भी मेरे से बताओ राजमान आ गया, क्योंकि 25 सितंबर 2008 मरकरी वीनस मर गई है ना, तो ये पॉजिटिव है ठीक है। अब एक चीज और होती है, एक बार चोरी हो जाना, एक होता है मिसप्लेस हो जाना, अब ये फर्दर बात होगी। अब आप इसमें देख रहे हो मरकरी में 4-11 4-11 इतनी क्लियर कट है, अगर तो इसका मतलब मिसप्लेस होता है, इसका मतलब चोरी नहीं होता, 4-11 हाँ इतना क्लियर, जैसे 4-11 कोई एक आधा आ जाए तो मैं नहीं कहता, इसमें क्लियर कट आपको समझ में आएगा। देखो 4-11 वीनस में दो बार है, मरकरी में 4-11 क्लियर कट है इसमें भी, तो अगर ऐसा आता है तो इस वीनस वो है हमारी कस्टडी के अंदर, हमें जो है वो रख के भूल गए हम, ऐसे की सिचुएशन है। अब वो या तो हमारे घर में हो सकता है, हमारे ऑफिस में हो सकता है, हमारी बहन के घर हो सकता है, तो जहां भी हम गए हैं जहां पर वो, इट विल बी सेफ। और ये बड़ी आइटम के अंदर होता है कि वो चीज विद इन द सिटी है? नहीं नहीं, नहीं। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, वो फिर हमारी कस्टडी में नहीं है, वो विद इन सिटी है, वो भी 7 से घुमाते हैं, 7 से वो 7 से घुमाते हैं, इसमें 7 से घुमाते हैं ठीक है। अब इसमें जैसे है ये जो पहले हमने लगाया था, जो सामान चोरी हो गया था, ये रुपया चोरी हो गया था, इस पे आ जाता है मोबाइल नहीं, रुपया जो चोरी हो गया था, इसमें भी आपको देखो 4-11 एक जगह पे मिलेगा, ये देखो जुपिटर में है ना 4-11 जी सर, और शनि में 4 है, ये इसको हम कंसिडर करेंगे, 4-11 क्लियर कट होना चाहिए, जैसे हमें दिखा था उसमें, इसमें भी तो क्लियर मैं कह रहा था जी, इसमें जैसे 6-8 आ गए, यहाँ 4 है 11 नहीं है, ये वाला इट विल नॉट कम इनटू दिस कैटेगरी, वो 4-11 4-11 क्लियर होना चाहिए, तभी वो आएगी दैट इज मिसप्लेस्ड, ये चोरी है 4-11 6-8 के साथ, हाँ वो चोरी है, वो एक फीलिंग आपको दे जाएगा कि भाई चोरी है। सर अगर इस केस में अगर सर डीबीएम में अगर पर्टिकुलर खाली एक में 4-11 है, बाकी प्लैनेट्स अगर मैं देखता हूँ 4-11 आ रहे हैं, तो उस केस में हम लोग कैसे असेस कर सकते हैं? जैसे अभी डीबीएम में अभी इसमें एक में था हमारा 4-11 और बाकी प्लैनेट बाकी 9 प्लैनेट्स में मोटा मोटा 3 या 4 प्लैनेट में 4-11 आ रहा है, तो उस दशा भुक्ति अंदर में क्लियर कट चाहिए बस, हमें सिर्फ दशा भुक्ति अंदर और नहीं, तो ये हमारा ये चोरी का हो गया, चोरी का ट्रांजिट सिर्फ मून देखना है हमको, करंट का और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आज का लास्ट है जो वो है इवेंट एक्सपेक्टेड विद इन
शॉर्ट टाइम इंटरवल। बच्चा खो गया, ठीक है, लाइट चली गई। अब तो दिल्ली इंडिया में नहीं होता इतना, मतलब दिल्ली में तो नहीं होता रोज लाइट कब आएगी। इसको हम करते हैं, मेथड होता है कूलिंग प्लांट, ये बिल्कुल अलग मेथड है। वो बताना क्या नाम है, टाइम बताना। 5:38 इसमें हम सीड नहीं डालेंगे, सिर्फ डेट टाइम प्लेस ऑफ डालेंगे। डे लॉर्ड, आज क्या डे है, डे लॉर्ड विल बी सन, मून साइन लॉर्ड, मून नक्षत्र लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड। अब इसकी सिंपल अभी की पत्री बनेगी, 17:38 की जन्म पत्री बनेगी। तो उसमें हम देखेंगे कि इस समय पे असेंडेंट क्या है, मून साइन लॉर्ड क्या है, ये सब चेक करेंगे। सर उसमें पूछ सकते हैं कि हमें इंश्योरेंस का पैसे कब मिलेंगे? नहीं, इंश्योरेंस का पैसा कब मिलेगा वो तो 2611 है, दशा भुक्ति अंदर। वो ये तो नहीं कि चेक चल चुका है, ये तो विद इन फ्यू मिनट्स आवर्स में, ये कि चेक चल चुका है ब्रांच से कब तक हमारे पास आएगा, ये तो आजकल क्वेश्चन है ही नहीं। NEFT होनी है, LIC ने या इंश्योरेंस कंपनी ने आगे आपको चेक तो प्रेजेंट करना है। यहाँ पे जो हरिकेन आया था तो बहुत सारा नुकसान हुआ, तो बोलते हैं कि इंश्योरेंस में डाले तो किसी का क्लेम पास होता है। तो सीड लेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी नहीं देगी, वो तो आधे घंटे दो घंटे में तो पास करेगी, वो तो महीना लगाएगी, दो महीना, मेरे को नहीं पता कितना लगाएगी। तो उसमें अगर 2611 है तो वो देगी नहीं, तो नहीं देगी। 811 नहीं देखना, 811 नहीं देखना, 2611 देखना। जैसे कार के लिए भी हमने 4:11 नहीं देखा, हम कार परचेज नहीं करने जा रहे, हम अपना ही वापस मांग रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि असेंडेंट लॉर्ड क्या है, मून साइन लॉर्ड क्या है, ये हमें सब देखना। अक्सर लोग सर ये सवाल करते हैं कि पैसा कब आएगा। हाँ वही 2611 है सर, पैसा ही है। 6:12 हो तो नहीं मिलेगा ना। हाँ 6:12 तो नहीं मिलेगा, और 2:10:11 भी मिलेगा। मून साइन लॉर्ड, मून कौन से साइन में, सर ये देखना है कि बिना मेरा किसी कंपनी के साथ बिजनेस हो रहा है ये कैसा रहेगा। वो सर अभी सर ये कंप्लीट करने के बाद ना आपके सारे सवाल के जवाब अभी मैं देता हूँ, ठीक है सर। अब पहले देखते हैं मून कौन से साइन में, मून है मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में, तो सचन। इसके बाद देखना है मून कौन से नक्षत्र में, मून के नक्षत्र में, आप ये देखिएगा मून के नक्षत्र में यही पता चल जाएगा, मून इज नक्षत्र और मून। असेंडेंट का लॉर्ड कौन सा है, वो है जुपिटर। बच्चा जो है वो 12 से 3 पिक्चर देखने गया था, तो अभी तक आया नहीं, कब तक आया, एक एग्जाम्पल। अब इसके बाद हमें क्या करना, व्हाट वी हैव टू डू, उनकी करना, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसका जो डिग्री ऑफ असेंडेंट है, सेकंड इज जो मीन जो ये लगन आ गया, अब मीन लगन जो आ गया तो अब इसकी
जो है मीन इसकी डिग्री क्या है, असेंडेंट की डिग्री क्या है, ठीक है। अब असेंडेंट की डिग्री मैं बताता हूँ आपको निकाल के। असेंडेंट की डिग्री है 5°27। ठीक है, ये तो हमारे को आ जाएगी सॉफ्टवेयर से। अब इसमें देखेंगे डिग्री ऑफ असेंडेंट 5°27 मिनट में साइन लॉर्ड क्या है, नक्षत्र लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड क्या है, ठीक है। और ये साइन लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। नक्षत्र जो है वो है शनि, सब लॉर्ड है मरकरी। तो ये आपको सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएगा। और ये पाइसिस है, पाइसिस का साइन लॉर्ड जुपिटर है, शनि नक्षत्र लॉर्ड है और सब लॉर्ड मरकरी है, ठीक है। ये बुक ले, ठीक है, एनेक्सर में जाओ। ठीक, अब इसको देखना है 5°27 मिनट पे, ये जो जुपिटर शनि मरकरी है ये इसके अंदर है या नहीं है। ये जो जुपिटर शनि मरकरी है पहले देख ले, 5°27 मिनट में ये निकलते हैं जुपिटर शनि मरकरी, ठीक है। जुपिटर तो वो साइन लॉर्ड ही है, शनि इज द नक्षत्र लॉर्ड एंड मरकरी इज द सब लॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 5°20-40 टू 7°20, ठीक है। तो मरकरी जुपिटर शनि हो गया, ये साइन लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड है। अब हमें देखना है कि ये तो जुपिटर ये है ही है, शनि है या नहीं है, शनि भी है, मरकरी है या नहीं है, मरकरी के बाद क्या आएगा, केतु, केतु के बाद क्या आएगा, वीनस, वीनस के बाद आएगा सन, सन है। ये करेक्ट हो गया। तो ये तीनों जब कनेक्ट हो जाएंगे तो बच्चा आ जाएगा। तो ये कब कनेक्ट होएगा, ये और आने वाले 4-5 degree में हो जाएगा। तो ये वापस देखेंगे सन कब आएगा, 10°20 मिनट, सन कब आएगा 10°20 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया 10°20 मिनट माइनस 5°20 मिनट कर लो रफली, अच्छा 5 degree हो गया, डिडक्ट कर लेना 10°20 मिनट, ये 10°20 मिनट पे आ रहा है सेम लगन के अंदर 5 degree। 1 degree कितने मिनट होती है, अनम डंडा दियो है 4 मिनट सर, 4 सर, 4 एक मिनट है, मैं डंडा सर आ गया, हम यहाँ गया सर, आ गया आ गया, मेरे को पता भी था ना यार, इसलिए मैं आ गया गर्मी का, ठीक है। तो 1 degree टेक्स 4 मिनट्स, राइट, ये इसका रीजन पता है, ये पता 24 घंटे में अर्थ कितनी डिग्री घूमती है, 360 मल्टीप्लाई करेंगे 20 मिनट्स मैडम, डंडा दीजिए डंडा, ठीक है, पानी भी दे दे यार, ठीक है।
तो ये इसका मतलब बच्चा जो है तकरीबन 20 मिनट में आ जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात। सर एक और भाई डंडा मार देना, एक और चीज। हाँ लिखो। सर इसमें लिखा हुआ जुपिटर सैटर्न मर्करी, तो सैटर्न मर्करी तो समझ आ गया, ये जुपिटर कैसे मैच कर गया यहाँ पे, तो सैटर्न ही है। सर इसको एक दफा रिपीट कर दे सर। हाँ जी, पाइसिस का लॉर्ड कौन होता है? बड़ा वाला और डंडा लाइयो, छोटे वाला बड़े वाला ऐसा डंडा, ठीक है। अब रिपीट कर देते हो उसको, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, एक और भी करेंगे तो अभी याद हो जाए, एक ये किया एक और भी कर लेंगे, तो इसमें सिंपल आ गया। जो नक्षत्र लौट, कई बार नक्षत्र लौट अगर नहीं मिलता तो फिर हमें नक्ष नक्ष नक्षत्र हो जाए, ठीक है। एक और कर लेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, समझ लो अभी 5:38 हुए और लड़के की मम्मी का फोन आया कि जो बच्चा है वो मूवी देखने गया था 12:00 और जो है वो दोस्तों गया, दोस्तों घर पहुंच गए, ये नहीं पहुंचा, हम फोन इसका स्विच ऑफ आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, हमने सब पता कर लिया सब कुछ है, तो आएगा कब, आएगा क्या है क्या, ठीक। तो हमने क्या करना है उस समय 5:38 पे, पहले तो डे का लॉर्ड हो गया सन, उस समय की जन्म पत्री लगा देनी है, तो मून कौन से राशि में है वो चेक कर लेना, मून कौन से नक्षत्र में है वो चेक कर लेना, असेंडेंट का लॉर्ड कौन सा है, असेंडेंट तो पता ही हमें, तो वो हमें देखना है कि वो कौन सा है, वो हमें पता चल जाएगा। तो वो जन्म पत्री आजकल तो कोई बात नहीं है, पहले हाथ से बनानी पड़ती थी क्योंकि तो कंप्यूटर भी होते थे तो लाइट नहीं होती, अब लैपटॉप है तो बैटरी तो होती है, और एप्पल का ले लो या छोटे वाला ले लो तो वो 3-4-5 घंटे होती है मियाद उसकी। तो ये देखो, ये असेंडेंट जो है वो पाइसिस है, जुपिटर लॉर्ड हो गया, मून अपने नक्षत्र में है मून के, तो मून मकर राशि में, मकर का लॉर्ड जो है वो है सैटर्न। अब इसके बाद देखना है कौन सी डिग्री में, सॉरी असेंडेंट की क्या डिग्री है, असेंडेंट की डिग्री है 5:27, मून साइन लॉर्ड है जुपिटर, मून का नक्षत्र है शनि, मून का सब लॉर्ड है मरकरी। अब ये आ गया जुपिटर साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड शनि, सब लॉर्ड मरकरी, ये असेंडेंट का लिया है, डिग्री ऑफ और ये हमने जब देख लिया तो अब हमने ये देखा कि क्या ये तीनों जो हैं इनमें से हैं या नहीं, जुपिटर तो इनमें से होगा ही होगा, हमेशा जो है असेंडेंट लॉर्ड ही लेंगे, शनि इनमें है, मरकरी इनमें नहीं है। अब नक्षत्र में जो बच गए हैं वो इनमें से हो भी सकते हैं, तो बच कौन गए हैं मरकरी के बाद, केतु वीनस और सन, सन पहला है, मून भी वैसे तो आएगा, जुपिटर भी बाद में आए, लेकिन जो पहला है वही कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर सैटर्न के बदले नक्षत्र लॉर्ड के अंदर हमारा केतु होता, यहाँ केतु होता नहीं, ये नक्षत्र लॉर्ड में केतु होता तो पहले हम इसको मैच करते फिर उसके बाद, अगर यहाँ केतु होता तो केतु इनमें नहीं है, नहीं है, फिर हमें केतु के बाद देखते जो भी होता देखते हम बाद में, क्योंकि वो फिर अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि ये जुपिटर शनि और ये जो सन आ रहा है 10:20 पे आ रहा है, सन जो है 10:20 पे आ रहा है, अभी हम चल रहे थे जुपिटर शनि मरकरी, ये इस डिग्री के बीच में चल रहे थे हम, ठीक है ना। ये 10:20 चले कहां से, हम 5:27 तो 10:20 में से 5:27 मैंने डिडक्ट नहीं किया, सिर्फ भाई इतनी करने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, तो 5 डिग्री आ गई, जितनी डिग्री आ गई उससे 4 गुना कर दो तो उतने मिनट में तकरीबन बच्चा आ जाएगा, तो 5:38 है तो आप कहते हैं आप बैठे हो आराम से 6 बजे तक बच्चा आ जाएगा, ठीक है, या उसकी खबर आ जाएगी, वट एवर हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये हो गया, एक और ले लेते हैं, ठीक है, दो भी हो सकते, लियो हो गया, लियो सन हो गया, सन में सन का नक्षत्र होता ही है, सन सन मून मरकरी, तो ऐसे करना। अब ये कोई और डेट ले लेते हैं, जैसे 1 अक्टूबर की जगह 2 अक्टूबर, ठीक है,
टाइम थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, 22:48 अब ये कल का हो गया, तो कल का हो गया मंडे, मंडे का हो गया मून, और इसका फिर हम मून साइन इसमें सीड के बताओ, सीड अब कब लगाएंगे भी बताता हूँ, कल बताओ कैसे लगेगा। मून, अब मून का साइन कौन सा है दिखाते हैं, दो अक्टूबर 22:48 एक्वेरियस में, ठीक है, एक्वेरियस हो गया, वो शनि हो गया, मून का साइन लॉर्ड शनि, मून कौन से नक्षत्र में है, मून राहु के नक्षत्र में, मून राहु राहु के नक्षत्र में, यहां से भी पकड़ सकते हो आप राहु, जहां मर्जी से पकड़ो यार, और असेंडेंट कौन है, जेमिनी, जेमिनी का कौन हो गया, मरकरी, असेंडेंट की डिग्री क्या होगी, 7°50' और ये हो गया जेमिनी मरकरी का ग्रह, ये तो लग ही गया यार, सॉरी ये तो अभी हो गया, ठीक है ना, साइन लॉर्ड हो गया मरकरी, नक्षत्र लॉर्ड हो गया राहु, सब लॉर्ड हो गया राहु, तो ये तो कनेक्ट ही हो गया, तो ऐसा एक और कर लेंगे, कोई बात नहीं, दो बार ही राहु आ रहा है, कोई बात नहीं, दो बार राहु आ रहा है, तो अभी वो टैली तो हो ही गया ना, अगर नहीं भी टैली हो गया मेरे राजे, तो वो टैली हो ही जाएगा, क्योंकि राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद शनि, तो टैली होने ही होने, अब ये मून शनि राहु मरकरी आ गए हमारे रूलिंग प्लैनेट, आ गए साइन लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड हो गया मरकरी राहु राहु, तो मरकरी भी है राहु भी है, तो जैसे ही सवाल पूछेंगे तुरंत ही बच्चा आ जाएगा, बोले बाहर खड़ा जी दरवाजा खोलो, हाँ जी आ गया आ गया, ठीक है, एक और ले लेते हैं, एकदम से आ गया ये ठीक नहीं है, दूसरा एक मिनट पहले मैं चेक ही कर लेता हूँ, गड़बड़ हो जाए तो आइए सर जी, नमस्कार सर जी, ले लेते हैं हम शाम का 6 बजे वाले, देखते हैं 18 बजे का लगता हूँ, जैसे जुपिटर शनि राहु, ठीक है, शनि मून का मार्च मरकरी तो नहीं है कर लेते हैं 10 मिनट, मून का मार्स असेंडेंट पाइसेस, ठीक है ये वाला ले, मार्स आ जाएगा तो फिर एरीज भी आ जाएगा, तो इसको ले लेता हूँ टॉरस, ये नहीं बनेगी बात, ठीक है, तो इसको एक डे और ले लेते हैं, मून का राहु ये वाला ट्राई करते हैं, ठीक है, 3 अक्टूबर 2017 10 मिनट,
4 अक्टूबर 2017 18:10 पे काफी चेंज आ गया। हाँ बॉडी थी यार, मेरी बॉडी खत्म हो गई नहीं यार, वो तो डराने के लिए दिखा रहा था, थोड़ा बच्चा डर गया, डरा नहीं पा, चला गया आज के चला गया गया थी यार बात को समझ। अब मून कौन से साइन में है? मून है जुपिटर के साइन में, ठीक है, और मून का नक्षत्र कौन है? मून का नक्षत्र सर स्क्रीन शेयर। हाँ जी सर स्क्रीन शेयर। हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी, ये पगा पड़ गया इसमें, थोड़ा सा पगा पड़ गया। वैसे अब फिर कि मून जो है वो जुपिटर के साइन में है, मून जुपिटर के ही नक्षत्र में है, ठीक है, 4 अक्टूबर ही है ना, बुधवार है, सॉरी पहले डे लॉर्ड हो गया मरकरी, मून जुपिटर के साइन में है, मून जुपिटर के नक्षत्र में है, और अठारह दस की बजाय मैं कर लेता हूँ उसको, इसको कर लेता हूँ मैं, एक मिनट इसको कर लेता हूँ, टाइम कर लेता हूँ इसको, टाइम कर लेता हूँ उसका, 18:10 की बजाय 18:30 का, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा से, जुपिटर डे लॉर्ड है मरकरी, बुधवार है, मून साइन लॉर्ड है जुपिटर, मून का नक्षत्र है जुपिटर, और असेंडेंट का लॉर्ड है वो पाइसेस, वो भी है जुपिटर, ठीक है। अब जो डिग्री ऑफ द असेंडेंट है, अगर हमें बुक से लेना है तो वह 27 degrees 59 minutes, साइन लॉर्ड है मरकरी और जुपिटर, नक्षत्र लॉर्ड है मरकरी, सब लॉर्ड है शनि, ठीक है सर, जुपिटर मरकरी शनि, ठीक है नहीं? जुपिटर साइन लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, सब लॉर्ड शनि, ठीक है। अब जो है जब हम 28 डिग्री की बात करें, 27 डिग्री 59 मिनट की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया जुपिटर मरकरी शनि, ये हो गया जुपिटर मरकरी शनि आ गया। अब ये असेंडेंट जो है खत्म हो गया, इसके बाद कोई सब लॉर्ड बचता नहीं, मैटर फिनिश हो गया। अब इसके बाद एरीज ही आएगा, उसके बाद एरीज आएगा, ठीक है। अब एरीज का जो साइन लॉर्ड है वो है मार्स, मार्स इनमें है नहीं है, उसके बाद आएगा टॉरस, वीनस, वीनस इसमें है नहीं है सर,
जुपिटर मर्करी शनि जुपिटर हो गया मर्करी हो गया शनि नहीं है ठीक है ना अभी ये भी नहीं है ये भी नहीं है इसके बाद आ जाएगा हमारा जेमिनी ठीक है ना जेमिनी में कौन कौन से बचते हैं कौन कौन से नक्षत्र होता है मार्स राहु और जुपिटर ठीक है तो जुपिटर में जब जुपिटर आएगा वो कब आएगा डिग्री देख 10 डिग्री पे आएगा 20 डिग्री पे आएगा सॉरी 20 डिग्री पे आएगा जेमिनी 20 डिग्री ये जेमिनी में जुपिटर जुपिटर ये 20 डिग्री पे आएगा ठीक है तो मर्करी जुपिटर एंड जर्मनी 20 डिग्री कहां से शुरू हुए थे हम पाइसेस 28 डिग्री या इसको ले ले एरीज 0 डिग्री ले ले कोई बात ना सब पड़ता तो हमारे पास हो गए एरीज टॉरस और ये बीसीए तो हमारे पास 82 डिग्री हो जो बताता हूं कैसे 10 में से 8 गया 2 ठीक है यहां रह गया 1 ठीक है ये हो गया जर्मनी ठीक है ना अब जर्मनी से हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो ये हमको मिल गई 31 डिग्री हो गया टॉरस 31 तो जर्मनी टॉरस 31 राइट इसको आप कहो जर्मनी 20 डिग्री को या आप इसको कहो टॉरस 50 डिग्री आ देंगे ना हाँ जी हाँ जी ये तो बात समझ अब टॉरस में जब 50 में ठहरी है 22 डिग्री होगी और टॉरस में से 25 डिडक्ट करेगा तो क्या होगा टॉरस और एरीज ये हो गया हमारा दो साइन कौन से हो गए दो साइन मतलब 60 डिग्री दो साइन बैठ जाएगी दो साइन डिग्री का मतलब हो गया 82 डिग्री 82 डिग्री मल्टी बाय 4 4 8 32 328 मिनट के बाद आएगा बच्चा कितने घंटे हो गए साढ़े पांच घंटे हुए टाइम क्या हो रहा है 18:30 शाम को 6:30 और 5:30 घंटे कितने हो गए 12 बजे के आसपास अब एग्जांपल ले लेते हैं ये तो ये हो गया इस तरह से करना अब एग्जांपल ले लेते हैं कि 3-4 लगन और निकल गया आगे जमनी में नहीं हुआ कैंसर नहीं हुआ लियो नहीं हुआ तो इसका मतलब अब मामला ड्यूबियस हो गया कि ओवरनाइट बच्चा नहीं आएगा अब अगर ओवरनाइट बच्चा नहीं आएगा अब हम सीड लेंगे कि क्या हो गया ऐसा कि बच्चा ओवरनाइट नहीं आएगा टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा जब टाइम पीरियड बहुत बढ़ जाएगा तो अब मामला ड्यूबियस हो गया ना कि ऐसे क्या रीजन हो गया कि बच्चा इतनी लेट नहीं आएगा कि आजकल दिल्ली का हो गया 12 बज गया चल फिर भी मान लिया लड़का 24-25 साल का चलो मान लिया आजकल तो डीजे करेगा बच्चा मोटा मोटा 12 घंटे ले लें सर 12 घंटे ले लें मोटा मोटा सर बात 12 घंटे की नहीं है बात यह है कि ओवरनाइट की है ना तो वो डेंजरस हो जाता है बट सुबह आपने 10 बजे का गया जी चलो जी शाम 6 बजे तक आ जाएगा नॉट एन इशू 14 घंटे की तो 6 बजे रात 9 बजे भी आ जाएगा नॉट एन इशू बट ओवरनाइट अगर बच्चा लिया ना तो फिर क्वेश्चन होता है वेदर ही इज मेट विद एन एक्सीडेंट बट क्या द प्रोबेबिलिटी मेट विद एन एक्सीडेंट सीट खोलेंगे एक्सीडेंट हुआ होगा तो 1-4-8-12 या कोई गंदी लड़की उसको जब बेलाप लागे लेगी 5-8-12 किडनैपिंग 2-3-4-8-12 और क्या रीजन है या 3-9-12 वो अपनी मर्जी से घर से भाग गया 3-9 और जब 2-4-11 आएगा ये कम ये अदर रीजन हो सकते हैं ये वाला रीजन ये हो गया कि अगर बच्चा 3-4 घंटे में आ रहा है तो फिर क्या तो पिक्चर देखने भाग गया दोस्त के साथ के खेलने चला गया डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड वो रीजन कुछ हो सकते हैं ना? तो इस तरीके से हमको देखना शॉर्ट चीजों के लिए कोई शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए यही है कि बच्चा नहीं आया लाइट चली गई पहले उत्तर डेली घर मतलब कई बार सेलिब्रेशन होती दिल्ली के अंदर ओ लाइट आ रही अब वो सेलिब्रेशन खत्म कर दिया वो किसी ने खत्म शीला दीक्षित ने खत्म कर दी
लाइट कब आएगी, कई बार लाइट इज वेरी इम्पोर्टेंट, जब आपको काम करना है लाइट नहीं सकता। पहले सर यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, ये जो आपका सैटर्न मार्क को ऊपर नहीं मिला, तो ये आपने मार्स वीनस मर्करी के लिए ना, थोड़ी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है ना, ये पाइसिस के एंड में आ गए हम जी सर, जुपिटर मर्करी शनि आ गए, इसके बाद सब लोड है ही नहीं, करेगा क्या तू, हाँ तो फिर एरीज में जाना पड़ेगा ना, एरीज का साइन लॉर्ड कौन है भाई, इधर बोलना, एरीज का साइन लॉर्ड मार्स है ना, मार्स इनमें से नहीं है, और उसका साइन लॉर्ड क्या वीनस इसमें से नहीं है, मरकरी का मतलब जेमिनी का सब लॉर्ड में नक्षत्र कौन कौन से है, पहला नक्षत्र है उसमें भारत, दूसरा राहु, तीसरा जुपिटर, देख मार्स नहीं है, राहु नहीं है, वो हम छोड़ देंगे, राहु नहीं है ना इसमें से, इसलिए नहीं ले। अब अब्दुल जी आप बताओ आपके क्या सवाल थे, पहला सवाल था कि ये वाली कंपनी के साथ हम काम करें तो यह फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा, जैसे आप फ्रेंच कंपनी से काम करना चाह रहे हैं तो क्या ये फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे सीट लेंगे, अब जैसे आप खुद करना चाहते हैं, देखो जो अगर क्लाइंट करना चाहता है तो जिस समय पे उसको सवाल आएगा उसी समय तो वो भागा आएगा नहीं जोशी के पास, तो हमें वैसी सिचुएशन डालनी है जैसी सिचुएशन हम एज अ क्लाइंट हो जाए, कि जैसे हमारे दिमाग में सवाल आएगा तो ऐसा नहीं हम किताब खोली नंबर निकाला और चेक कर लिया तो हम रुक जाएंगे, जैसे आप कंपनी से बातचीत चल रही है तो आप रुक जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग पे 5-6 घंटे 7 घंटे सस्टेन भी करता नहीं करता, अगर नहीं करता तो वो अपने आप ही छूट जाएगा, सवेरे आपने सोचा तो छोड़ दो उसको अभी मत करो, शाम तक वो बार बार आपको तंग करा है, शाम को क्वेश्चन निकाल लो आंसर दे दो और 100 रुपए जाके मजार पे चढ़ाओ अपने, मैं जाऊंगा मैं मंदिर चढ़ा दूंगा आप मजार पे चढ़ा दो, किसी को खाना खिला दो व्हाटएवर, वो 100 रुपए एक निश्चित कर लो भैया अभी मैं पैसे दूंगा साथ, हमें ऐसे करना है। अब वो कंपनी से काम करना हमारे लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, 2-6-10-11 है तो अच्छा रहेगा, 6-8-12 है तो अच्छा नहीं रहेगा, मिक्स आएगा तो रिजल्ट तो आ जाएंगे लेकिन जितने हम डिजायर्ड समझ रहे हैं उतने नहीं आएंगे, जैसे समझ लें कि हम ये मान के चलते हैं कि उसके साथ उस कंपनी के साथ हम इस साल 1 करोड़ रुपए का काम करेंगे और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंपनी के साथ अगर हम 1 करोड़ का काम करते हैं तो हमें जो है 15 लाख रुपया बच जाना चाहिए, तो इसका मतलब कि 15 लाख नहीं बचेंगे हमको, मिक्स है तो 7 लाख बचेंगे, 6 लाख बचेंगे, 8 लाख बचेंगे, ऐसा ठीक है, रोटेट करेंगे या बस लगन से ही करेंगे, जी सर बताएं बताएं, मैंने कहा रोटेट करेंगे 7 से या उसको बस लगन से, रोटेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपना फायदा चाहिए, हमें फ्रेंच कंपनी का तो फायदा चाहिए नहीं, जो फ्रेंच कंपनी है उसका फायदा नहीं देखना हमें अपना फायदा देखना है, तो क्या हमें फायदा होगा, हमें तो हमें फायदा मतलब तो हमने लगन से ही देखना और सीट निकाल लेना, सीट निकाल लेना, 100 रुपये मजार पे चढ़ानी है या बुके को खिला देना है या कोई भी जैसा है आप समझो, तो वो हमें 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, अपना नंबर निकाल लेना, फिर जो 2-6-10-11 तो पॉजिटिव है, 6-8-12 नेगेटिव है, मिक्स है तो क्यों खर्च करना है सर, सो क्यों खर्च करना है, सो इसलिए खर्च करना है, सीरियसनेस ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा अमाउंट इतना ही है 100 रुपया जो मैं खर्च होने से हमें बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा और अगर हम खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ भी रहा है, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि आप 10,000 रुपए खर्चा करो, 100 रुपए 50 रुपए 20 रुपए 10 रुपए जो भी आप एक समझते हैं कि एक इतना रुपया होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 100 रुपया बोला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारे जीवन को बहुत असर करने वाला है, 15 लाख रुपए का सवाल है, तो उसमें से अगर 100 रुपया भूखे को खिला भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, दूसरा सवाल ये है कि जैसे अब आपने चढ़ा गया ना 100 रुपए अगर अपने आप नॉन क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना,
दूसरा सवाल ये है कि सर ये जैसे अब आपने बता दिया कि वो इतनी देर बाद आ जाएगा या कहीं भी मैच हो जाते हैं वो आ जाएगा, कुछ सम टाइम ऐसा हो जाता है कि कहीं कुछ चला गया, पक्का चला गया, परमानेंट चला गया, मर्डर हो गया, कोई और चीज हो गई, वो नहीं आता दो चार। सर वही था, उसका यही जवाब था, मैंने आपको बताया था कि अगर ये बहुत लंबा हो जाता है 10 घंटे 12 घंटे, अब नॉर्मली क्वेश्चन तब आएगा जब बच्चा जो है लेट हो गया रात में, या आपको नेक्स्ट डे क्वेश्चन आएगा, तो पहले तो एक्सपेक्ट हम यही करेंगे, समझ लो रात को शाम 6:10 6:30 का लगाया हमने, तो बच्चा जी वो करने गया था, क्या नाम है, पिक्चर देखने गया था, 4 बजे तक आ जाना चाहिए, 6:30 तक क्यों नहीं आया। अब आंसर आ रहा है कि ये हो सकता है 7 बजे आए, सुबह 8 बजे आए, तो फिर ये आंसर पे आप बिलीव मत करो, इस वाले पे 2-4-5 घंटे तक 6 घंटे तक एक रीजनेबल टाइम है, तो यू हैव टू बिलीव इट, अदरवाइज डोंट बिलीव इट। फिर उसके बाद उसका सीट खोलना, व्हाट हैज हैपेंड टू द चाइल्ड। अगर 7-8 बार है, भगवान ना करे, दैट मीन्स मारपिटाई हुई है तबीयत से और डेंजर टू द लाइफ हो गया। 4-8 बार 5-8 बार है तो कोई स्कैंडल हो गया, 2-3-4-8 बार है तो किडनैप हो गया, और 3-9 बार है तो अपनी मर्जी से चला गया है, उसकी सेहत ठीक है, सेहत से ठीक। और जब वो दशाओं के अंदर 2-4-11 आ जाएगा तो वो फिर वापस आ जाएगा। करंट के दशा में 3-9 बार 2-4-11 आ रहा है तो फिर इससे नहीं आएगा। जब भी थोड़ा सा दशा भुक्ति अंदर में थोड़ा सा 2-4-11 पॉजिटिव है, या फिर मून जो है वो भी 2-4-11 तो आ ही रहा है, फिर मून का ट्रांजिट देखना जो मैंने बताया था, जैसे वो 3 या 11 से कुछ संबंध रखता है तब वो आ जाएगा, ठीक है सर। और बताओ सर। ठीक है सर। मैडम आपको सवाल पूछ रहे थे, कौन सी मैडम? सर वो आप सेल्फ से बताना है, तो वो सेल्फ के लिए क्या टेक केयर करना है, बस ये 100 रुपए वाला? नहीं, बात 100 रुपए की भी नहीं थी, बात ये थी कि वी शुड डू सच अ क्वेश्चन, ऐसा सिचुएशन में ऐसा आना चाहिए, जैसे हम क्लाइंट हो, तो क्लाइंट आए या जो पूछने वाला आदमी है वो तो सर इमीडिएटली तो आएगा नहीं। जैसे आपने पूछना कि मेरी बहन की शादी कब हुई, तो ऐसे केस के अंदर क्लाइंट की अगर बात पूछे तो वो डायरेक्टली ये तो पूछने आएगा नहीं कभी कि बेटी की बहन की शादी कब, वो तो जाहिर सी बात है शादी.com में या रिश्तेदारों को बताया, खुद ट्राई किया, फिर यह कि 6 महीने साल नहीं आता, फिर आदमी को लगता है यार जोशी जी जाके पूछो, ठीक है। तो ऐसा ही सिचुएशन हमें अपने लिए भी डालनी है। जब ऐसी सिचुएशन है जैसे समझ लो आपका घर का पैसा खो गया, फिर नहीं आपने देर लगानी कि मैं जी 4 दिन बाद पूछू, फिर तुरंत करना है। अब जैसे मेरी कार खोगी मुझे तुरंत करना है, मेरी कार खोगी वाइफ नॉर्मली जो है वो फोन कम ही करती मेरे को, तो खाना खा के कई बार मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ, तो देखा 21 मिस्ड कॉल, तो मैं कुछ लंबा ही लफड़ा हो गया, मैं तुरंत फोन किया, मैं क्या हो गया, वो जो पुलिस वाले हैं ना वो पूछ रहे हैं कि कार का नंबर क्या, मैं वो क्यों पूछ रहे हैं, खो गई थी ना, तो मैं कहा अच्छा भी नंबर ये बता दे उसको, बता दे, मैं वो बंद नहीं पूछता, मैं कहा तुम बंद किया है कार को, लॉक तो किया करो, घर के बाहर खड़ी, दोनों हाथ में समान होता ना, लॉक कैसे करें आप भी बताओ। अच्छा भैया, तो फिर हमें नॉर्मली यही करता था कि भाई घर गया तो देखा खुली तो खड़ी होनी है, तो फिर चाबी एक एक्स्ट्रा ले ली थी मैंने, गए घर में तो लॉक करके अंदर जा, चले अपनी भी करी थी, बीवी की भी कर। अब ऐसे केस के अंदर तो हमें तुरंत देखना है कि कार कब मिलेगी, अब नई कार थी मैंने तो लगाया नहीं, मैं तो पहुंची मुरादाबाद यार। अच्छा फिर मैंने हिसाब लगाया, तो मैंने हिसाब लगाया तो मैंने देखा कि इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, इतने की बिकेगी भी नहीं, तो यही हुआ कि उसकी कार की मेरे ख्याल मार्केट वैल्यू कोई 170-175 थी, इंश्योरेंस कंपनी वाले ने 1,97,000 रुपए दे दी, 20,000 फालतू ही मिले ना, तो फिर वो लगाने की जरूरत भी क्या है, तो यही सोच रहे तो मिल ना जाए मिलेगी तो नहीं, तो इस ऐसे में हमें देर नहीं का, ऐसे में हमने तुरंत लगाना है, अपने लिए भी तुरंत लगाना है, क्योंकि ऐसे में कौन रुकेगा कि भाई गाड़ी मिलेगी नहीं, क्योंकि कार खोई है इट्स अ बिग बिग थिंग, तो उसका आगे वो आप कंपनी से पैसा, इट्स अ बिग प्रॉब्लम।
सर आपने उसमें इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे वो कैसे देखा? नहीं वो तो मिलने ही थे, उसमें हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा कि वो मिलने ही थे, उसमें कोई बात नहीं होती। कार चोरी हो जाए तो फिर वो देने पड़ेंगे। तो जैसे मैं आज अपना ही देख रहा था कि जॉब चेंज कब होगी, तो उस केस में फिर कितना पैसे मतलब क्या अपने आप ही सर आपका नॉन सीरियस क्वेश्चन अपने आप ही वो हो जाएगा ना सर। ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, जैसे ना ये वो क्या नाम है तेरा, तू जानता है यार जीत, न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी हो तो क्वेश्चन लगाना है, प्राइवेट कंपनी हो तो क्वेश्चन नहीं लगाना, वो देंगे देंगे पैसे, उनकी इज्जत की बात है। न्यू इंडिया अश्योरेंस की पहले ही इतनी इज्जत है या वो इज्जत अब और ठीक नहीं हो सकती जो कुछ भी कर ले वो, न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी या नेशनल इंश्योरेंस और कौन सी जनरल की चार है ना, ओरिएंटल इंश्योरेंस और एक और है न्यू इंडिया प्राइवेट कोई भी कर लो पैसे दे दे, वो अपना टाइमली पैसे दे देंगे, उनका आप कंप्लीट कर लो हिसाब किताब पैसे दे देंगे। पहले बोलता चाबी दूसरी दो, मैं कहा यार दूसरी चाबी का तो पता नहीं, मैं खो गई हुई यार, तो कहाँ खोई थी, मैं क्रिकेट खेलने गए तो खो गई, क्योंकि उन्होंने कहाँ गए थे तो वो तो खो कैसे गई थी, मैं यार खुली छोड़ दी थी, उसने कार नहीं चोरी की, चाबी उठा ले गया। वो यहाँ तो बड़े अजीब से जवाब दे रहे हो, मैं कहा यार नहीं पता, यार याद होता तो साला पता ना होता, यार वो मिल गई चाबी हमने दे दी, तो फिर उन्होंने हमको कहा कि भी आप वो दे देते हो क्या नाम है कोर्ट से एक लेना होता है कुछ पेपर, वो अगर आप दे देते तो बिल गिव यू द मनी विद इन अ वीक, उन्हें जो उन्होंने करना था कर लिया, कोई दिक्कत हुई नहीं, कोई होती भी नहीं, ये इधर होती है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये धक्के खाने पड़ते। मैंने लगाया नहीं था यार, मैं लगाया नहीं था टू बी वेरी फ्रेंक, तो अगर लगाएंगे तो फिर तो मतलब 100 रुपये चले जाते हैं, इसलिए मैं रहने दिया, छोड़ दिया मैंने, है ना, लगा सकते हैं। नहीं नहीं मैंने वैसे बात की एक एग्जांपल के तौर पे, अगर हमें अपने लिए लगाना है तो हम ये कोशिश करें कि जैसे अगर क्लाइंट के लिए भी लगाना है ना, तो हम जन्म पत्री के लिए हम पैसा ले ना लें, प्रश्न ज्योतिष में जरूर उससे पैसा ले लें, बेशक हम उसको ये कह दें कि यार भाई तू जाके 100 रुपये चढ़ा दियो, जैसे अपना भाई है बहन है दोस्त है, तो हम तो नहीं कह सकते ना भाई पैसे दे तो मैं तेरा प्रश्न देखता हूँ, तो नहीं कह सकते ना, तो फिर उसको बोलेंगे ऐसा है कि अब उसकी मर्जी चढ़ाया जाए, एक थोड़ा बाउंड कर लिया, तो बेमतलब के सवाल कम वैसे भी कम हो जाते, टेंशन भी कम हो जाएगी आप जो पहले ही बात थी, तो ऐसे ठीक है। नहीं सर हिंदी में, तो ये हो गया हमारा प्रश्न ज्योतिष में, और मेरे को कुछ नहीं पढ़ाना, अब नेक्स्ट क्लास फिर वही 4 o'clock ठीक है।